ओके हेलो हेलो, आई सपोज वी आर लाइव नाउ, नाउ आई सपोज वी आर लाइव लाइव एक बार चैट के अंदर हो जाए भैया है लाइव है सब बढ़िया है हाँ मैं नहीं देख रहा हूं दिख रहा है भाई मैं नहीं दिख रहा हूं मैं स्क्रीन के अंदर आया ही नहीं हूं ठीक है चलो व्हाट्स अप गोइंग ऑन माई लवलीस्ट एंड डियरेस्ट पीपल आउट देर वेलकम टू पर्यटन और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी पूरा अगले दो घंटों में हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके होंगे ठीक है चलो जी ओके okay. क्या हाल है भैया कैसे हो सब लोग क्या हाल चाल चल रहे हैं आज हम करने वाले हैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी अगले दो घंटों के अंदर अंदर आपका पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा सेम उसी तरीके से जैसे हमने कल हिस्ट्री किया था ऑल दो लास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी बट मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें टेलीग्राम के ऊपर डाल दी थी तो आज भी सारी इंपॉर्टेंट चीजें टेलीग्राम के ऊपर आने वाली है ठीक है चलो एक बार देख लो तो भैया चैट के अंदर क्या चल रहा है फिर हम डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे और इसको बिल्कुल क्रिस्प रखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव के बाद वाले टाइम पे भी आते हैं मतलब लाइव खत्म होने के बाद में बहुत सारे बच्चे आके देख रहे होते सेशंस ठीक है चलो क्या स्टार्ट करते भाई स्टार्ट करते चलो बहुत बढ़िया ओके तो थोड़ा फ्लो बता देता हूं आज हम क्या क्या देखने वाले हैं कहां कहां से देखने वाले हैं मेरा पहले कलम वलम हाथ में ले लू मैं ठीक है सब इधर उधर पड़ा हुआ है ठीक है जी चलो बहुत बढ़िया बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ में करने वाले हैं पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट शुरू से लेके एंड तक ठीक है चलो फटाफट पहले देख लो कि हम क्या क्या देखने वाले हैं सबसे पहले सबसे पहले तो सारे पीवाई मैं तुम लोगों को दूंगा जिसके बाहर कुछ आएगा ही नहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए

ठीक है चलो अब देखो मैं बता देता हूं सब सबको कि फ्लो क्या होगा फ्लो कुछ ऐसा होगा कि हम सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हर चैप्टर की

चलो कुछ भी लैग नहीं हो रहा है फालतू तो नाटक मत करो ठीक है पहला चैप्टर स्टार्ट करते रिसोर्स एंड डेवलपमेंट फटाफट कंप्लीट करेंगे कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर जो जो चीजें इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा उतनी नोट करता चलो जितना मैं बोलूंगा उतना ही सुनते चले कि कुछ ज्यादा उनको जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा लंबा मैं सेशन नहीं लूंगा मैंने चाहता कि पांच छह सात आठ घंटे तक मैं तुम लोगों को पढ़ाते रहूं सिंपल चीजें है जो इंपॉर्टेंट चीज हो तुम लोग पता चल जाएगी क्योंकि एग्जाम के आने में टाइम बहुत कम है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए अभी सेल्फ स्टडी है किसी के पढ़ाने से तुम्हारे नंबर नहीं बनेंगे तुम्हें मैं भी पढ़ा रहा हूं बहुत सब लोग पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं बट एट दी एंड तुम्हारी सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारे लिए ठीक है चलो जी बहुत बढ़िया लेट्स बिगिन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सबसे सिंपल सी बात है कि भैया रिसोर्स क्या होता है तो कोई भी वो चीज जो हमारी जिंदगी के काम में आए ठीक है यानी कि हर वो चीज हर वो चीज जो हमें आ, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके से उसको रिसोर्स बोलते हैं ठीक है थीके? ये हो गया अब रिसोर्स बेसिकली तीन चीजें होती है में कि रिसोर्स को हम टेक्नोलॉजिकली क्या एक्सेस कर सकते है? पता चले कि बहुत ही खतरनाक चीज है दुनिया के अंदर पर हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते उसको यूज उस नहीं कर सकते ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं हमारे पास में दूसरा है कि भैया वो सस्ते होने चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत ही करोड़ों ला, लाखों रुपए क्यों अब रिसोर्स क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल नमक एक रिसोर्स है अब नमक मान लो करोड़ों रुपए का है तो फिर वो रिसोर्स किसी काम का ही नहीं हमारे है ना और होता है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल मतलब कि मान लो कि नमक खाना ऐसा होगा कि ओ अरे तो नमक खाता चीची तो कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए वो चीज कि भाई वो हम सोसाइटी में रह के उसको कर सकते हैं नहीं कर सकते ठीक है थीके? चलो

ठीक है जो हम लोगों ने बनाया है रिसोर्स को ठीक है तो आधा चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा नेचुरल में दो प्रकार आता है रिन्यूएबल रिन्यूएबल और नॉन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिन्यूएबल मतलब वो जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं बार बार है ना जैसे कि विंड हो गया वॉटर हो गया ये खत्म नहीं होंगे कभी ठीक है तो ये हो गया रिन्यूएबल रिसोर्स फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या आता है नॉन रिन्यूएबल में आता है जिनको रिन्यू करने में सालों साल लग जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटल है तो मेटल ऐसा नहीं कि भाई फटाफट रिन्यू हो जाएगा पानी का तो क्या है कि पानी ढुलापरेटो वापस ठंडा हो गया ठीक है चलो और इसके अंदर जो रिसाइकलेबल होते हैं रिसाइकलेबल मतलब वो जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं फॉर एक्साम्पल मेटल है तो मान लो तुम्हारी मेटल की एक बोटल है है ना अब वो मेटल की बॉटल तुमने यूज की उसको फेंकने की वजह रिसाइकल करते हैं उस मेटल को मेल्ट करके किसी और फॉर्म में बना सकते हैं उसका मटका बना सकते हैं उससे कुछ और बना सकते हैं तो रिसाइकेबल वो हो गया नॉन रिसाइकेलेबल वो होते हैं जिनको वापस अब जैसे फॉर एक्साम्पल गाड़ी में पेट्रोल है तो पेट्रोल जब जला तो वापस पेट्रोल को यूज नहीं कर सकते ना पेट्रोल जल गया तो जल गया तो वो क्या होता है एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है ठीक है और नॉन रिसाइक्लेबल भी होता है ठीक है चलो अब रिन्यूएबल में यार वही दो टाइप के हो गए एक बायोलॉजिकल और एक कंट्रन्यूस लोग बायोलॉजिकल के अंदर क्या आ गए बायोलॉजिकल के अंदर क्या आ भैया नेचुरल वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवर जानवर भी भैया रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो रिन्यूएबल uh, हो गए एक तरीके से ठीक है चलो अब क्लासिफिकेशन कर लेते भैया रिसोर्सेज का ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का बड़े ध्यान से सुनना फटाफट कंप्लीट करेंगे रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अब हमने क्या किया कि भैया हमको रिसोर्सेज को क्लासिफाई करना है ना अब जैसे गट्टू है तो गट्टू को क्लासिफाई करने की अच्छा पड़ता है बेकार पड़ता है या फिर स्पोर्ट्स में कैसा है तो हम अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं एक अकेडमिक कैटेगरी हो गई ठीक है फिर एक स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गई एक कल्चर कैटेगरी हो गई एक डांस या आर्ट एंड क्राफ्ट कैटेगरी हो गई तो वैसे ही रिसोर्सेज को हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ ठीक है सबसे पहला है कि भैया रिसोर्स कहां से बनता है

जैसे रॉक्स मेटल्स कोई भी चीज मैक्सिमम रिसोर्सेस तुम्हारे नॉन लिविंग है है ना वैसे ऐसा तो नहीं कह सकते मैक्सिमम है काफी सारे बायोटिक भी है बायोटिक मतलब क्या होगा जो नेचुरल फैक्टर्स है नेचुरल फैक्टर्स मतलब क्या क्या होगा जो तुमको बा, हमें जैसे फॉर एक्साम्पल ह्यूमन बीइंग फ्लोराफोना फिशरी लाइफ स्टॉक पेड़ पौधे भेड़ बकरियां वो सब कुछ बायोटिक में आता है सिंपल है तो ओरिजिन लिख लिया ओरिजिन में बायोटिक ए फटाफट अपनी कॉपी में ऐसे लिखते रहते देखो मैं तुम लोगों को इस तकनीक से पढ़ा रहा हूं कि जब तुम लास्ट में इसके बाद में रिवाइज तो मैं स्लाइड्स भी देखने की जरूरत ना पड़े ठीक है तुमने लिखा भैया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ओरिजिन के अंदर तुमने फटाफट नीचे डाल लिया बायोटिक और ए ठीक है इस टाइप से लिखते चलना आगे बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिबिलिटी तो ये बता दी मैंने तुमको रिन्यूएबल 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 और नॉन मतलब कि भैया जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं जो वापस रिप्रोड्यूस हो सकते सकते हैं हैं जो वापस रिन्यू हो नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनको वापस रिन्यू नहीं किया जा सकता ठीक है ये होते हैं तो दो तीन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो या तो एग्जॉटिबिलिटी कर सकते हो रिन्यूएबिलिटी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो क्या इतनी बात क्लियर है क्या इतनी बात क्लियर है डिलीटेड 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 अरे भाई रुक जाओ मैं तुम लोगों को एक बेसिक आइडियोलॉजी दे रहा हूं कि तुम्हारा चैप्टर का फ्लो कैसा है कौन कह रहा है डिलीटेड है एक मिनट रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ मैं तुम लोगों को यहां पर एक बेसिक आइडियोलॉजी दे रहा हूं कि चैप्टर का फ्लो कैसा है ताकि हमारा चैप्टर का एक मूड सेट हो जाए कि भाई चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है ठीक है एक सेकेंड हा ओके जी एक सेकेंड रुक जाओ बस भाई ये डिलीटेड नहीं है ठीक है ये आपकी नई एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है डिटेल में चीजें नहीं दी हुई है बट नाम सबके लिखे हुए हैं अगर आप अपनी एनसीईआरटी को पहली एनसीईआरटी को देखो जहां पर रेश एनसीईआरटी बनी हुई है वहां पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है चल बहुत सारा नाम वगैरह याद नहीं करना एक हाईलाइट दे रहा हूं बस तुम लोगों को ओनरशिप इंडिविजुअल या कम्युनिटी ओन बेसिक चीज है ठीक है फिर नेशनल या इंटरनेशनल रिसोर्सेज नेशनल वो जो कि भैया एक देश के रिसोर्सेज होते हैं ठीक है जो एक देश के पास होते हैं वो और इंटरनेशनल uh, रिसोर्सेज वो होते हैं जो पूरी दुनिया के पास होते हैं सारी दुनिया की कंट्रीज के पास होते हैं ठीक है ये बेसिक बेसिक इतनी ज्यादा गाइडलाइंस डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है एक बार रीडिंग अगर मारना चाहते हो तो मार सकते हो बट हमारे लेटेस्ट के अंदर इसकी बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स नहीं दी हुई है ठीक है खुश 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 चैप्टर सेवन डिलीटेड नहीं भाई उसमें सिर्फ मैप वर्क आएगा ठीक है फिर पोटेंशियल और डेवलप रिसोर्सेस जिनको हम पोटेंशियली यूज कर सकते हो, रहे हो तो डेवलप्ड जिनको हम यूज कर रहे हैं ठीक है फिर एक स्टॉक होता है रिजर्व होता है स्टॉक रिजर्व भी ऑलमोस्ट वही चीज है ठीक है तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर कि को हम डेवलप कैसे करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक है मैं अब तुम लोगों को एनसीआरटी लेटेस्ट एनसीआरटी मेरे सामने रखी हुई है उसके हिसाब से उसी फील के हिसाब से तुम लोगों को बताने वाला हूं ठीक है चलो 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 बेसिकली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है रिसोर्सेज के साथ में समझने की कोशिश करना कि भैया हम रिसोर्सेज को ऐसा लगता हैं कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं ठीक है दे दिया तो हमारे बाप दादा ने दिया हमारी जितनी इच्छा होगी उतना यूज कर लेंगे परंतु वैसा नहीं होता है रिसोर्सेज को हमको जुडिसियसली यूज करना होता है दो तीन वर्ड याद रखना जुडिशियसली सस्टेनेबली ठीक है ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो अब एक इसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक सिंपल सा मतलब है तुम इसको रीड करते रहना बट सिंपल सा सा बेसिक मतलब यह है कि आज हम रिसोर्सेज को ऐसे यूज करें कि आज भी डेवलपमेंट हो और आने वाली जनरेशन के लिए खत्म ना हो जाए वो पता चला कि आज हमने डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाने के लिए इतना पेट्रोल इतना फॉसिल फ्यूल इतनी सीमेंट सब कुछ लगा दिया और आने वाले पचास सालों के बाद तो बचा ही नहीं तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचा खाली पड़ गई पूरी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कीपिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट इन माइंड एज वेल एज दीड फ्यूचर ठीक है चलो बेसिक सी चीज है इसके अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है चलो अब अगला इसके अंदर रियो रियो हा सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई पार्ट है तो वो ये है इससे क्वेश्चन बनेगा 99 परसेंट बनेगा तीन मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनेगा कि ये समिट क्या है या फिर एक मार्क्स में तुमसे इसकी डेट पूछी जा सकती है या कहां पर लोकेशन पूछी जा सकती है तो ऑब्वियस बात है रियो नाम है तो रियोध जनेरो में हुआ ठीक है लोकेशन है। बेसिकली पर क्या हुआ कि सौ से भी ज़्यादा कंट्रीज के जो हेड्स थे, है ना? जैसे हो करते हैं, ये सिर्फ एक कंट्री को अफेक्ट नहीं कर रहा मान लो कि इंडिया के अंदर मैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर दू तो ऑब्वियसली बात हो पॉल्यूशन को थोड़ी पता की बाउंड्री लगी है वीजा लेके जाना पासपोर्ट लेके जाना वो तो चाइना में भी फैलेगा पाकिस्तान में भी फैलेगा सब जगह फैलेगा तो ये को ध्यान में रखते हुए उन उन्होंने, उन्होंने एजेंडा ट्वेंटी के ऊपर साइन किया ध्यान रखना एजेंडा ट्वेंटी के ऊपर साइन किया ठीक है एजेंडा ट्वेंटी क्या होता है बेसिकली ये मेक श्योर करता है कि ये देखो ये पूरी की पूरी जो दो लाइन है इसमें शब्द तुम चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल ठीक है और जितने भी लीडर्स हैं उन सब ने इस चीज के ऊपर साइन किया डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ठीक है यानी कि सबने कुछ कुछ साइन किया कि हम अपने देश में इतना इतना कंट्रोल रखेंगे इतना पॉपुलेशन को इतने पेड़ पौधे उगेंगे इतना सब कुछ करेंगे थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट होगा सारी चीजें उन्होंने वहां पर साइन की ठीक है तो इसलिए समिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ठीक है अब एजेंडा ट्वेंटी वन क्या होता है ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो मार्क्स में या तीन मार्क्स में पूछा जा सकता है टू और थ्री मार्क्स पांच मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता इससे बहुत इंपॉर्टेंट है एज इट इज याद करना एजेंडा ट्वेंटी वन कुछ नहीं है ये डिक्लेन है जिसको साइन किया किसने वर्ल्ड रीडर्स ने कब साइन किया नाइनटीन नाइनटी टू में कहा जनेरो में यह हो गया एक सवाल पूरा है ना ये एक पॉइंट पूरा हो गया इसके अंदर क्या बात हुई ये देखो बेसिकली कहां साइन हो यूएनसीडी में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ठीक है चलो ये बेसिकली क्या करता है ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका जो मेन गोल था क्या था भैया ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हम किसकी बात डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए तो इसका मेन गोल क्या था ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक है चलो चलो जी बहुत बढ़िया ठीक है अब रिसोर्स प्लानिंग इस पे करते हैं कि भाई रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्या है देखो सीधी सी बात है हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी इच्छा से चले राज इच्छा और एक काम करते, थोड़ा पेट्रोल की जरूरत है चलो एक काम करो माइनिंग करना चालू कर दो ऐसा नहीं होता हमको रिसोर्सेज को प्लान करके चलना पड़ता है कि भैया ये कहीं बाद में खत्म तो नहीं हो जाएगा अभी इसकी कितनी जरूरत है कहां पर रिसोर्स मिलेगा ठीक है अब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि किसी एक स्टेट में कोई एक रिसोर्स बहुत ज्यादा प्लेंटी में अवेलेबल है किसी एक कंट्री में एक किसी एक स्टेट एक में दूसरा है किसी तीसरे शहर में कोई तीसरा रिसोर्स है तो हर जगह बड़े बड़े रिसोर्सेस अलग अलग टाइप के हैं अब राजस्थान के लोग बोलते हैं कि भैया हम अपना रिसोर्स अपने पास ही रखेंगे तुमको नहीं देंगे तो ऐसा कैसे काम चलेगा ठीक है तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि भैया हम भी अपने रिसोर्सेस आपको देंगे आप भी दो ये के रीड भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा की जरूरत नहीं है ठीक है अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है ये जीरो वन यहां आएगा ये यहां क्यों लिख दिया ठीक है अब रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है यह क्वेश्चन बन सकता है इस क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है वो एज इट इज चार पॉइंट्स लिख के आने हैं तुम लोगों को ठीक है ध्यान से सुनना रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि रिसोर्स प्लानिंग इज वेरी यूजफुल इन इंडिया या रिसोर्स प्लानिंग इज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया एक्सप्लेन वाई या जस्टिफाई और आंसर तो ये चार पॉइंट से लिखना और कुछ भी नहीं लिखना जहां रिसोर्स प्लानिंग दिखा वहां पर ये चार सबसे पहला रिसोर्स प्लानिंग कैसे होता है चार स्टेजेस में होता है पहले बता देता हूं पहला तो ये है कि भैया हम ये आइडेंटिफाई करते हैं बैठ पर मैप खोल लेते बैठ के और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वाला रिसोर्स कहां है ये रिसोर्स अच्छा यहां पे तो कुल मिलाकर पहले तो आइडेंटिफाई करते कि रिसोर्स है कहां अब मान लो कि हमको कोल चाहिए तो ऐसा तो नहीं कि हम जहां इच्छा होगी वहां कोल ढूंढना चालू कर देंगे अपने घर के नीचे खोदना चालू कर देंगे पहले मैप के ऊपर देखेंगे कि यार सबसे प्रोक्सीमेट लोकेशन कौन सी जहां पर कोल मिल सकता है सबसे पहले तो हमने वो आइडेंटिफाई किया ठीक है तो आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्स अक्रॉस रीजन ऑफ द कंट्री तो हमने पहले ये क्लासिफाई कर दिया कि भैया एमपी में ये ये फलाना रिसोर्सेस मिलेंगे आंध्र प्रदेश में, में ये फ़लाने रिसोर्सेस मिलेंगे महाराष्ट्र में ये फलाना रिसोर्सेस मिलेंगे पहली स्टेज होगी दूसरी स्टेज क्या हुई एक पूरी प्लानिंग करना कि हम कैसे इन रिसोर्स को यूज करने वाले पहले तो हमने सिर्फ जगह आइडेंटिफाई कर ली कि यहां 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 अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यार इन, इन जगहों पर इस रिसोर्स के लिए हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं किस टेक्नोलॉजी से इसको यूज कर सकते हैं तो क्या हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है या नहीं है तो उसकी हम पहले पूरी प्लानिंग करते हैं कि भैया ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है या नहीं है फिर तीसरा है कि हम क्या करते हैं कि ये जो रिसोर्स हमने जो रिसोर्स डेवलपमेंट किया है ना अब जैसे फॉर एग्जांपल हमको कहीं रोड बनाना है तो हम ये देखते हैं कि क्या ये जो रोड हम बना रहे हैं या ये जो रिसोर्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरे देश के इंटरेस्ट में है कि नहीं पता चला कि वो जो सड़क है वो किसी एक शहर से दूसरे शहर को तो कनेक्ट कर रही है बहुत बड़े तरीके से पर उसके कारण देश को बहुत नुकसान हो रहा है तो वो चीज हम नहीं करते तो तीसरा हम ये देखते हैं ठीक है चलो अच्छा तीन स्टेप्स है इसमें चौथी फिर वही है कि तुम्हारे तो मेन जो रिसोर्स एक्सट्रक्शन हो चालू हो जाता है तो कुल मिलाकर तुम तीन भी डाल सकते हो तुमसे नंबर ऑफ स्टेप्स पूछ सकते है। अगर चार पूछते हैं तो चौथे है में डाल देना बाकी तुम बस इतना लिखना पहला आइडेंटिफिकेशन दूसरा प्लानिंग स्ट्रक्चर और तीसरा कि ये हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ अलाइन होता है नहीं होता है सीधी सी बात है ये हमारा खत्म हो होगा टॉपिक यहाँ पर ठीक है अब इंडिया ने कलोनियलाइजेशन से क्या याद किया ये समझो क्या याद किया नहीं क्या लर्न किया ठीक है क्या समझ में आया लोगों को कलोनिलाइजेशन क्या होता है भैया बेसिकली कलोनियलाइजेशन होता है हमारे जो अंग्रेज आए थे ना हमारे यहां पर वो ठीक है ठीक है चलो इंडिया मीटअप भारत मीटअप हां जी भाई भारत मीटअप है ठीक है भारत मीटअप के जो फॉर्म है तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा ठीक है चलो ओके अब इंडिया ने भाई बहुत सारी चीजें सीख ली पहली बात तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस बेसिकली इतना समझो कि हमने कलोने कि जो ब्रिटिश रूल था वहां से बहुत सारी चीजें सीखी रिसोसेस को कैसे यूज करें उन्होंने तो बहुत ही मनबत्ती कर ली जैसे उनको अच्छा लग रहा था क्योंकि उनकी तो है ना जमीन जमीन तो हमारी है उनको पता था कि हम कभी ना कभी छोड़ के चले आएंगे तो इनके ऊपर छोड़ देंगे जो भी छूटेगा ठीक है तो इसीलिए गांधी जी ने एक लाइन बोली ये एक मार्क्स में आ सकता है कि देर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड बट नॉट फॉर एनी ग्रीड ठीक है ये एक मार्क्स में आ सकता है चलो अब आते हैं सबसे सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो कि है लैंड रिसोर्स लैंड रिसोर्स क्या होता है भैया जो जहां पर हम रहते हैं ठीक है जो पूरा हमारा लैंड एरिया है उसको बोलते हैं लैंड रिसोर्स ठीक है resource, चलो अब लैंड रिसोर्स हमने दो तीन तरीके से क्लासिफाई कर रखा है पहला तो फॉरेस्ट एरिया जहां पर फॉरेस्ट है दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन अब देखो जहां पर जहां पर 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 मेरा घर बना हुआ है 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 यहां यहां हो हो रहा खेती रही है नहीं बट फिर भी लैंड रिसोर्स तो है ना तो ऐसे लैंड को बोलते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन जहां पर हमारे घर बने हुए सड़क बने हुए मॉल बने हुए बिल्डिंग बनी हुई है यहां पर कल्टिवेशन नहीं हो रहा है देखो सबसे पहला तो हो गया कि जहां पर फॉरेस्ट है मतलब जहां पर पूरा कल्टिवेशन हो रहा है तो एक तो एक वो एरिया हो गया दूसरा हो गया नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन जहां पर बिल्डिंग है रोड है सब कुछ है ठीक है फैक्ट्रीज बनी हुई है फिर तीसरा है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड में क्या आता है भैया जैसे कि फॉर एग्जांपल जहां पर हमने बिल्डिंग्स भी नहीं बनाई है पर फिर भी उस लैंड पे कल्टिवेशन नहीं कर रहे जैसे कि परमानेंट पेस्टर्स एंड ग्रेजिंग लैंड कुछ लैंड ऐसा होता है जो सिर्फ इसलिए बना है ताकि जो भेड़ बकरे हैं वो वहां पर चर सके घास चरने के लिए बना होता है ठीक है तो वो लैंड भी ना तो किसी फैक्ट्री के काम में आ रहा है ना ही एग्रीकल्चर के काम में आ रहा है ठीक है पर हम सिर्फ उनको फोर्डर के लिए यूज कर रहे हैं फिर ट्री ग्रोव है ना और कल्चरेबल वेस्ट कल्चरबल वेस्ट क्या होता है जिसको पांच साल से ज्यादा हमने अनकल्टीवेटेड छोड़ दिया फॉर सम रीजन ठीक है और चौथा होता है फेलोलैंड फेलोलैंड क्या होता है भैया फेलोलैंड वो होता है जिसको हमने एक या एक से वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर जिसको हमने अभी अभी छोड़ा खाली। छोड़ता है खाली क्यों छोड़ते हैं खाली जनरली इसलिए छोड़ता है देखो क्या होता है सॉइल है है ना, के पौधे हुए, बड़े और फिर हमने क्रॉप्स लिए अब दिक्कत खींचे तो सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए अब सॉइल के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है तो फिर सॉइल अगली बार कैसे किसी फसल को उगाएगा तो इसलिए हम उसको थोड़े टाइम तक छोड़ देते हैं ताकि नेचुरली टाइम के साथ में वापस वो मिनरल्स आ जाए

अब 10 किलोमीटर स्क्वायर पर मैंने दो बार खेती करी तो जो नेट सोन एरिया मेरा हो गया या जो टोटल नेट सोन या ग्रॉस क्रॉप क्यों? तो हो गया है पर मैंने दो बार की मैंने दो बार इसी पे क्रॉपिंग की तो क्रॉप एरिया मैंने दो बार गिना तो उसको बोलते ग्रॉस क्रॉप डेरिया तो बिल्कुल नेट सोन एरिया हमारा ही होता है और ग्रॉस क्रॉप डेरिया होता है ये एक मार्क्स में डेफिनेशन आ जाएगी क्या इतनी बात क्लियर है क्या फील आ रही है क्या फील आ रही है चलो अब लैंड यूज पैटर्न दो बेसिकली चीजों पर डिपेंड करता है कि लैंड हमने का, का अब तुम बोलोगे भैया यहां पर ही क्यों आपने खेती करी यहां पर ही क्यों खेती करी यहां पर ही क्यों बिल्डिंग बनाई तो उसका सिंपल रीजन है भैया फिजिकल फैक्टर होता है, है क्लाइमेट जगह का कैसा है और ह्यूमन फैक्टर्स की भैया वहां पर लोग कैसे टेक्नॉजी कैसे ठीक है, है बेसिक चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा मैं तुम लोगों को बताते चलूंगा ठीक है चलो ठीक है अब लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया इंडिया के अंदर क्या है भैया इंडिया के अंदर जो अवेलेबल फॉर यूज है 93 है ठीक है और नेट सोन एरिया 54% है है ना फॉरेस्ट एरिया की थोड़ी डिटेल्स फॉरेस्ट एरिया की डिटेल्स है थ्योरेटिकल चीजें समझना वाला कुछ नहीं है इसमें ठीक है देखो लैंड डिग्रेडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन बनेगा लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है लैंड की क्वालिटी खराब होना लैंड की क्वालिटी खराब होना लैंड क्वालिटी खराब कैसे होती है इसके तीन तीन रीजन है जो थोड़ा ऊपर नीचे हो गए पहला है ह्यूमन एक्टिविटी सच डिफॉरेस्टेशन हम बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन करेंगे पेड़ पौधे काटेंगे तो ऑब्वियसली जो लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी दूसरा है माइनिंग माइनिंग मतलब बहुत ज्यादा जब हम खोदते हैं तो जो डस्ट निकलती है जो धूल निकलती है जमीन के अंदर से वो जमीन को और खराब करती है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर लैंड और वाटर पॉल्यून होता है ठीक है तो लैंड डिग्रेडेशन के कॉजे पूछाएंगे तो ये लिख आएंगे अब इसका सोल्यूशन क्या है क्या है अब देखो जब भी कोई ऑब्वियसली बात है

ठीक है ये थोड़ा सा याद कर लेना एक पॉइंट ठीक है और फिर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड जो वेस्ट लैंड है यानी कि जो ऐसा लैंड है जहां पर कल्टिवेश नहीं हो रहा उसको भी हम यूज कर पाए किसी तरीके से बिल्कुल वेस्ट ना जाए वो ठीक है माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर डिस्चार्ज करना प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ ठीक है सॉइल एज अ रिसोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि इसके अंदर ही पूरा आ, हमारा कल्टिवेशन होता है पूरा हमारा एग्रीकल्चर सॉइल पर डिपेंड करता है अब इस पूरी लेयर ऑफ सॉल है ठीक है सबसे टॉप में जो आती है सबसे टॉप सॉइल इसको टॉप सॉइल बोलते हैं अपर लेयर बोलते हैं जो सबसे ऊपर है जिसको हम छू सकते हैं फिर उसके नीचे आती है सब सॉइल जहां पर थोड़े रॉक्स या फिर थोड़े पत्थर इस टाइप के रहते हैं फिर आती है वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल यानी कि ये अभी तक टूट देखो होता क्या है लेयर है ना धीरे धीरे ऊपर आएगी यहां पर जो है ना क्या बोलते हैं यहां पर जो तुम्हारा पूरा एरिया है ये जो सॉइल वाला ये रॉक डैम पेरेंट बेड रॉक यानी कि ये इसके नीचे तुम जा नहीं सकते तुम खोद खोद के खोद खोद के यहां तक आ सकते हो इसके नीचे नहीं जा सकते है ना तो जब ये ये चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी तब ये टूट टूट के, के बेसिकली होता है एलुवियल प्रकार के सॉइल कुछ भी नहीं करना है देखो जहां जहां पर भी टाइप मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि एक एक पेज निकालते चलना अपनी में से, और उस पेज पे पूरा जैसे अभी आने वाले सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ चीजें रहेंगे तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ सॉइल है तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सॉइल है ना और यहां पर ना लो नाम नाम पहला नाम क्या है एलुवियल सॉइल अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो ताकि एक ही पेज पे तुम्हारे पास सब कुछ रहे है। सोयल क्या है जिस सॉइल पर सबसे अच्छी तरीके से खेती हो सकती है वो कौन सा भैया एलुवियल सॉइल बहुत बढ़िया ठीक है चलो कहां कहां से आता है तो तुम लोगों को सोर्स बताना है डिपोजिट देखो सॉइल कैसे डिपॉजिट है क्या होता है जब नदियां बहती हैं पहाड़ों के ऊपर से जब नीचे नदियां आती हैं और जब नीचे आते तो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी लेके आती है अब जब पानी जब धीरे 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 करके जो मिट्टी है 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 ना नीचे जमती है, जमती जाते, जमती जाते, जमती जाती 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 और यही मिट्टी जम जम के बनाती है जो हम अभी जिसको हम सॉइल बोलते हैं तो एलिवियल सॉइल वो सॉइल है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का सॉइल होता है ठीक है चलो अब इसी के अंदर दो प्रकार के होते हैं खादर और बांगर इंपॉर्टेंट है देखो जहां जहां पर भी डिफरेंसेस हैं वो इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं है खादर सॉइल बांगर सॉइल नाम से याद रखो भंगार

ऐसा डिफरेंस याद करने के लिए कर रहा है ठीक है इसमें कंकर कम होते हैं इसमें कंकर बहुत ज्यादा होता है जो सॉइल के अंदर कंकर होते है। जितने कम कंकर उतना अच्छा सॉइल ठीक है चलो ब्लैक सॉइल अब ब्लैक कॉटन सॉइल ये क्या होता है भैया देखो बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है ब्लैक कॉटन सॉइल डेकन में आता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉटन के लिए है ठीक है अगेन वही सेम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ठीक है बाकी ये सारे तुम लोगों को स्लाइड्स में से इतना रीड करोगे उतने में तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट होते जाएगा बाकी ये चीज देखो बहुत सारी चीजें तुम लोग को बताता हूँ क्या होता है कि अगर मैं तुम लोगों को ये पूरा रीड करने जाऊँ है ना अब तुम लोगों को बताऊं कि ये उड़ीसा में मिलता है छत्तीसगढ़ में मिलता है मिडिल गंगा प्लेन में मिलता है ठीक है अब इससे क्या तुमको याद होगा नहीं याद तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी से पर इससे ड्यूरेशन लंबी हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तुमको क्रिस्प तरीके से जो समझने वाली चीजें हैं, जब फंडा बता के मैं तुम लोगों को याद करवा सकता हूं वो करवाऊं ठीक है चल लेटराइट सॉल क्या होता है भैया ये वो सॉइल होता है जो हमारे पास में सबसे ज्यादा हेवी रेनफॉल से मिलता है ठीक है कहां मिलता है देखो वही जो तुम लोगों ने शीट बनाई है ना जो तुम लोगों ने एक पेज बनाया है अगर मेरे कहने में बनाया होगा तो नाम लिखो यहां पर यहां पर सोर्स लिखो यहां पर उसके कुछ वो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है कि ये कैसा है कंकर से बनाए सोर्स क्या है इसका और फिर कहां से आया है कहां से आया है? मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पर लिखा हो था कि एसिडिक uh, है तो नेचर लिख दो एक है ना ने नेचर एक कैटेगरी लिख दो तो लेटर चलो एरिड सॉइल आप देखो नाम से समझ लो एरिड सॉइल मतलब ये गर्मी वाले एरिया में मिलने वाला सॉइल है और गर्मी वाला सबसे बड़ा एरिया कौन सा राजस्थान तो ये जो इस टाइप का सॉइल होता है ना जिसमें टूटा 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 होता है है ना जिसमें से बहुत सारे कट्स होते हैं उसको बोलते हैं एरिड सॉइल ठीक है इसके अंदर हम ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं होता ऑब्वियसली क्योंकि गर्मी बहुत है वहां पर और इरीगेशन करके हम इस सॉइल को यूज कर सकते हैं फॉरेस्ट सॉइल है जो हमको फॉरेस्ट मिलता है ठीक है इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखोगे लोमी है सिल्टी है यानी कि बिल्कुल दलदला है है ना चलो अब स बहुत इंपॉर्टेंट चीज सॉइल इरोजन ठीक है इरोजन पता है किसी को क्या होता है भैया देखो सॉइल इरोजन कुछ नहीं होता दो प्रकार का होता है एक गली इरोजन होता है और एक शीट इरोजन होता है कुछ भी दि दिमाग नहीं लगाने इसमें सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है कि सॉइल जो है वो गायब हो जाना इरोड हो जाना अब सॉइल गायब कैसे हो सकता है देखो किसी अगर किसी खेत में बहुत अच्छी मिट्टी है बहुत तेज हवा चली तो जो मिट्टी है सारी उड़ गई अब मिट्टी उड़ गई तो हम वहां पर उगा नहीं सकते सकतेमेटली उगाते कि में मिट्टी में ही है है ना तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन किसी भी प्रकार से अगर सॉइल जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल बाढ़ आ गई तो बाढ़ जब आई तो पूरे एक खेत का सारा का सारा सॉइल लेके चली गई तो सॉइल इरोड हो गया इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन ठीक है रिमूवल ऑफ सॉइल सब्सिक्वेंट वॉशिंग ऑफ डाउन ऑफ टॉप सॉइल ठीक है जो टॉप सॉइल की लेयर थी हमारी ये जो, बहुत लेयर है, जो लेयर है, अगर ये गायब हो जाती है गली और शीट इरोजन वो होता है गली इरोजन वो होता है जो कि इस टाइप के कैनाल्स में होता है मतलब नालियों में होता है गली इरोजन तो नालियां बनती है और ये बीच बीच में से लेर जाती है ठीक है इस टाइप से बीच बीच में लेयर जाती है इसको बोलते हैं लैंड इसको बोलते हैं बैड लैंड यह एनसीआर के अंदर इंपॉर्टेंट मतलब हाईलाइट क्या हुआ के लिए भी तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टें ठीक है चलो एक होता है शीट इरोजन इरोजन देखो गली में में क्या होता है गली इरोजन में क्या होता है कि भाई ये चैनल में जाता है चैनल्स में सॉइल तुम्हारा गायब होता है ठीक है मतलब पानी आया पानी आया पानी नीचे बैठ गया सॉइल के अंदर और वो पानी नीचे नीचे अपना रास्ता बनाता है तो बीच बीच में वो सॉइल को फोड़ देता है मतलब ऐसे गलियां बना लेता है टाइम के साथ में ऐसा नहीं एक दो दिन की बात नहीं है सालों लगते हैं इसमें तो ये पूरी लेयर तुम्हारी गायब हो गई सॉइल की इसको गली रोजन बोलते हैं और एक शीट रोजन होता है शीट रोजन में क्या होता है कि पूरी की पूरी ऊपर की लेयर साफ हो जाती है ये ज्यादा खतरनाक है ये ज्यादा खतरनाक है इसमें एक साथ बहुत सारा सॉइल गायब हो जाता है ठीक है सॉइल कंजर्वेशन के तीन चार तरीके हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है और तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है ठीक है सबसे पहला है कॉन्टोर प्लोइंग मतलब क्या होता है इस टाइप से पेड़ियों में मतलब ये स्टेयर केस के हिसाब से हम लोगों को अपने पूरे लैंड को कल्टीवेट करना है इससे क्या होगा कि अगर बाढ़ आती है या पानी आता है तो पानी की स्पीड ग्रेजुअली नीचे आते 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 तो स्लो हो जाएगी तो यहां पर भले ही थोड़ा इरोजन होगा बट ये वाला एरिया पूरा हमारा बच जाएगा तो इसको बोलते हैं कॉन्टोर प्लोइंग इसके अंदर ध्यान रखना डाउन द स्लोप्स ठीक है ये स्लोप्स बनाते हैं हम बेसिकली ठीक है दूसरा होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है कि हमने क्या, क्या किया कि ये हमारी क्रॉपिंग की यहां पर हमारी क्रॉपिंग की क्रॉपिंग की और यहां पर घास की लेयर छोड़ दी फिर क्रॉपिंग की और घास की लेयर छोड़ दी इससे क्या होगा कि अगर बहुत तेज हवा चलती है तो, तो हवा जो है वो हमारे सॉइल वाले एरिया को डिस्टर्ब नहीं करेगी वो घास में ट्रैप हो जाएगी बहुत सारी घास रहेगी तो हमारे जो सॉयल है वहां तक तेज हवा नहीं पहुंच पाएगी फिर तीसरा होता है शेल्टर बेल्ट शेल्टर बेल्ट के अंदर भी सेम चीज होती है है ना हमने क्या किया इस टाइप से पेड़ बना दिए बहुत सारे पेड़ बना दिया अब बहुत सारे क्या होता है रेगिस्तान वाले इलाकों में सैंड ड्यून्स आते हैं यानी कि बहुत तेजी से हवा चलती है उसमें बहुत सारी रेत जाती हवा के साथ में ये पेड़ क्या करेंगे उस रेत को रोक लेंगे तो हमारा सॉइल बच जाएगा ठीक है तो ये तीन तरीके होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अब इसके फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री लैंड डिग्रेडेशन के लिए कैसे रिस्पॉन्सि है, है तो सीमेंट के कारण देखो बहुत सारी मिनरल प्रोसेसिंग होती है तब तो उसके कारण बहुत सारी डस्ट सेटल डाउन हो जाते हैं तो सीमेंट इंडस्ट्री पूछी मिनरल इंडस्ट्री पूछी तो डस्ट वर्ड यूज करना डस्ट वर्ड ढूंढेगा तुम्हारा कॉपी चेक करना वाला व्यक्ति इसको अंडरलाइन कर दोगे तो पूरा चेक करेगा ही नहीं यहां पर टिक लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा एक एक मार्क्स मिल जाएंगे ओवर ग्रेजिंग रिस्पॉसिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन किन जगहों पर मध्यप्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र ठीक है राइट सॉइल कहां मिलता है वही तो मैं तुमको बताया वाला एक शीट बनाना उसके अंदर तुमको सब खुद तुम्हारे हिसाब से लिखोगे ये देखो रिसोर्स प्लानिंग कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना तो इसके अंदर वही तीन डाल आइडेंटिफिकेशन प्लानिंग स्ट्रक्चर और तीसरा हो गया मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान ठीक है ये तीन हो गया तुम्हारे बहुत सिंपल रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है सेम चीज ठीक है रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है कि भैया डिप्लीशन ना हो है ना और सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिख के आना इन डिस्क्रिमिनेट बंद हो जाए ठीक है फिर एग्जामिन द थ्री मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड एज अक्रिमिनेट यूटिलाइजेशन ऑफ ने रिसोर्स ठीक है डिप्लीस ऑफ रिसे फास्टर रेट एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ यूट क्रिएटिंग इंक्रीजिंग ग्लोबल क्राइसिस लाइक ओजोनल डिप्रीशन बेसिक चीजें जो हम हमेशा से पढ़ता है बस उसी बारे में चर्चा की गई है ठीक है थ्री मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग एंड लैंड डिग्रेडेशन बताया मैंने तुमको स्लाइड्स के अंदर है ना थर्टी थ्री परसेंट ऑफ एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट क्यों होना चाहिए क्योंकि इससे क्वालिटी बढ़ जाती है हमारे पूरे ओवरऑल प्लांट्स और एनिमल्स और सब चीज़ों की ठीक है क्वेश्चंस में तुम लोग को बता रहा हूँ आंसर जो जो थोड़े टिपिकल होंगे जो जिसमें समझना होगा तुम लोग बता दूंगा लो बाकी जो रीड करना है वो कर सकते हो रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल क्यों है वही जो तुमने पहले देखा उसी का थोड़ा लंबा uh, वो आंसर है ठीक है चलो लैंड डिग्रेडेशन क्यों होता है अगेन वही चीज ह्यूमन एक्टिविटीज ठीक है फिर ओवर इरीगेशन uh, या फिर ओवर ग्रेजिंग ठीक है अब मैप वर्ग देख लेते हैं इस चैप्टर से मैप कहाँ कहा से आएंगे देखो मेरी जान मैंने मैप भी तुम लोगों के लिए करवा रखा है इसके अंदर ठीक है तो तुम्हारे लिए जब मैप आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि तुम्हें ये कवर करना होगा हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि दो हजार में आया था पहले आया था बट फिर भी आया है इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है तुम लोगों को वो शेड करने को बोल दे तो शेड करने में देखो एलिवेल सॉइल तो पूरा नॉर्थ वाले में कर दो क्योंकि ऑब्वियसली हिमालयन रीजन से तो जहां जहां हिमालय टच है जहां जहां से हिमालय टच है उतना उतना एरिया पूरा एलिवेल सॉइल में आ गया ठीक है फिर इधर से थोड़ा गुजरात तक जाएगा और कुछ नहीं बॉर्डर बॉर्डर पर फिर ये बीच में तुम्हारे लेटरेट सॉइल लेटरेट सॉल वाला हो गया और फिर ब्लैक सॉइल है अब लेटरेट सॉइल और ब्लैक सॉइल तो उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है ठीक है बट तुम लोग इसको कर सकते हो हालांकि तुम्हारे पास में ज्यादा कॉपी किताब में इतने कलर रहेंगे नहीं है ना चलो

तीसरा ये दे रखा है और दूसरा क्या है सॉइल दैट इज फाउंड वेयर रेनफॉल इज लो ये रहा रेनफॉल इज लो तो यहां पर रेनफॉल इज लो मतलब रेड और येलो सॉइल ठीक है चलो जी बहुत बढ़िया पहला चैप्टर होता है समाप्त पहला चैप्टर होता है समाप्त ठीक है चलो एक बार चैट सेक्शन देख लिया जाए क्या चल रहा है भैया चैट के अंदर मैं पर करवा तो रहा हूं मेरी जान और क्या करवाऊं प्लीज अपलोड अपलोड गो फाइव थर्टी अच्छा ठीक है थोड़ा स्लो पढ़ाओ अरे देखो जहां पे समझने नहीं चीज है ना वहाँ पर मैं तुम लोगों को आराम से स्लो करके पढ़ाऊंगा जहां पर समझने नहीं देखो सिंपल समझने की कोशिश करो ठीक है प्रणय भैया मान लो कि तुम दिल्ली में रहते हो अब तुम दिल्ली में रहते हो अब इसको मैं और कैसे समझाऊं ये याद करने वाली चीज ना कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज ये पर्टिकुलर व्यक्ति दिल्ली में रहता है है ना अब ऐसी लोकेशंस लोकेशन यहां पर दी हुई है कि रेड सॉइल और येलो सॉइल फलाना फा, फा, फलाना जगह में मिलता है हाँ या फिर तुम्हारा जो ब्लैक सॉइल है वो डेक्कन एरिया में मिलता है या फिर मध्य प्रदेश में मिलता है ब्लैक सॉइल अब इसमें तुम समझ नहीं सकते कुछ है ना

ठीक है तो मैं तुम लोगों को अपनी लेटेस्ट एनआरटी के हिसाब से ही पूरा बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली है ठीक है क्योंकि सारी चीजें उड़ाती है कि शुरू शुरू में जब टाइम होता तो हाफ फेरले में वाले बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं प्री बोर्ड में पूछ लेते बट फाइनल एग्जाम हमेशा सीबीएसई के ऊपर अब इस पेज में भैया एक पेज ये तो आधा ही है आधा और आधा दो पेज और बस एक करीब करीब तीन साढ़े तीन पेज का पूरा चैप्टर है और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में ठीक है तो मैं तुम को फटाफट नोट करते चलो क्या क्या हमको इसमें से पढ़ना है ठीक है फ्लोरा फोना कुछ नहीं तुमको बताता हूं फ्लोरा मतलब समझते हो क्या होता है एक सेकंड रुक जाओ मैं तुम लोगों को बता भी देता हूं जितना बताने ऐसा है इसमें एक सेकेंड ये लो फ्लोरा देखो सीधी सी बात है फ, फ्लो फ्लोरा मतलब फ्लार यानी कि प्लांट्स ठीक है फ्लो आ रहा है ना बीच में तो ये क्या हो गया भैया प्लांट्स ये, ऐसे याद कर लो ऐसे याद कर लो तो कभी कोई समस्या नहीं आएगी ठीक है और फोना मतलब एनिमल्स तो फ्लोरा फ्लोरा फ्लो फ्लार यानी कि जितना भी प्लांट्स है नेचुरल वेजिटेशन है फॉरेस्ट है वो सब कुछ फ्लोरा में और फोना मतलब सारी वाइल्ड लाइफ ठीक है अब इंडिया के अंदर बहुत सारी वैराइटी है यहां से कोई सवाल बनने के चांसेस नहीं है अब सवाल कहां से बनने का चांसेस है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया डायरेक्टली ये टॉपिक पे आ गई है बीच का टॉपिक तो सारे उड़ा दिए उन्होंने कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर तो कंजर्वेशन कैसे करते हैं देखो सीधी बात हम बचपन से आ रहे हैं कंजर्वेशन के क्या क्या टेक्निक्स होते हैं अब तुमको फ्लोरा को प्रिवेंट करना है फॉरेस्ट को तो ए फॉरेस्टेशन कर दो भैया है ना इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट आ रहा है उसको बंद कर दो पॉल्यूशन बंद कर दो ये सारी चीजें करो ठीक है वही चीजें यहां पर है ठीक है वही चीजें यहां पर है ठीक है

ठीक दिख रहा होगा ठीक है चलो जी पढ़ लेते हैं एक बार इसको ताकि तुम्हें पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े अलग से मैं तुम लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि तुमको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े ठीक है।, है देखो कुछ भी नहीं है हमारे पास में एक तो ये एक दो कंसेप्ट याद रख लेना इसमें एक तो फ्लोराफाना जो मैंने बताया वो ठीक है अब इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ बताया गया है कि हमने कैसे कैसे अलग अलग जगहों पर अपने जो अलग अलग फ्लोर और फोन के लिए प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना चालू किया जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट टाइगर ठीक है अब प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है बट चांसेस इसके बहुत ज्यादा नहीं है ठीक है आएगा इस चैप्टर से तो प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है तीन मार्क्स में बेसिकली इसमें क्या है शॉर्ट नोट के अंदर सारी चीजें बताने रहेंगे कितने टाइगर्स थे कब चालू हुआ क्या हुआ या फिर एक मार्क्स में आ सकता है और कुछ भी नहीं है इसमें ठीक है चलो अब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं ठीक है अब ये ध्यान रखना टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट अन क्लास फॉरेस्ट ये तीन टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर तीन मार्क्स का सवाल आ सकता है दो मार्क्स का भी आ सकता है कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं हमने कुछ फॉरेस्ट के ऊपर ना गाइडलाइंस लगा दी कि भाई ये जो जंगल है इसको सब यूज कर सकते हैं इसको कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं इसको कोई यूज नहीं कर सकता तो सबसे पहला होता है रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट क्या देखो इंडिया के अंदर आधे से ज्यादा ज्यादा जो जो फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड लैंड है 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 ध्यान से से सुनना इंडिया के अंदर आधे से जो है वो है। मतलब कि उसको आप इजिली यूज नहीं कर सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे यूज नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ और वहां के फॉरेस्ट के लिए बना हुआ है ठीक है वहां जो पेड़ पौधे हैं और वहां जो वाइल्ड लाइफ है उनके लिए वहां पर लोग इजीली जाकर अपना अपने हिसाब से सब कुछ नहीं कर सकते क्यों ताकि वहां के वाइल्ड लाइफ और वहां के जो फॉरेस्ट है वो मेंटेन रहे ऐसा ना हो कि जैसे अब टाइगर है तो टाइगर की हालत कितनी खराब हो गई टाइगर कितने कम हो गए तो हम नहीं चाहते कि ऐसा और हो इसलिए हमने आधे खेत तो रिजर्व कर दिया ठीक है दूसरे है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है वहां पर लोग आ जा सकते हैं बट वो फिर भी प्रोटेक्टेड है है ना वो पूरी तरीके से रिजर्व नहीं है बट फिर भी प्रोटेक्टेड है उस पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है और तीसरे अनक्लास फॉरेस्ट अनकलास फॉरेस्ट मतलब वही जिसमें सब जा सकते हैं जंगल ठीक है मतलब ऐसे जंगल जहां पर कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है तो हमने बेसिकली तीन टाइप की क्लासेस बनाई रिजर्व जहां पर प्रॉपर रिजर्वेशन किया ताकि जितने भी वहां के फॉरेस्ट और वाइल्ड रिसोर्सेस तो उनको हम बचा सके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो प्रोटेक्ट को फर, वो, मतलब जो फॉरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है और तीसरा हो गया अनकलास जिसको हमने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया वहां पर जिसको जाना हो जाए ठीक है ठीक है चलो ये हो गया ये हो गया ठीक है चलो अब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन आखिरी टॉपिक है शायद इस चैप्टर का हाँ जी बिल्कुल आखिरी टॉपिक है हाँ पर तुम्हारा चैप्टर ही खत्म पूरा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन या आखिरी टॉपिक है इसके अंदर यह बताया गया है कि कैसे कम्युनिटीज ने मिलकर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है ना अब जैसे मान लो कि मैं या मेरा परिवार जो है वो किसी ट्राइबल एरिया में रहता है तो हमारा तो पूरा लाइवलीहुड ही फॉरेस्ट में चलता है तो हमारे लिए तो फॉरेस्ट भगवान है है ना तो जब बहुत सारे अंग्रेज या फिर अंग्रेजों के बाद में भी भी जब अभी भी बहुत सारे लेटेस्ट में गवर्नमेंट वगैरह वहां पर जाके अपने इंडस्ट्रीज बनाना चाह रही थी पेड़ पौधे काटना चाह रही थी या कोई बड़ा फैक्ट्री सेटअप करना चाह रही थी तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कम्युनिटी कंजर्वेशन किया कम्युनिटी मतलब क्या क्या कि भाई हमारी सारी कम्युनिटी या फिर हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी आदिवासी कम्युनिटी है या जो भी कम्युनिटी वहां पर रहती है उन लोगों ने मिलकर आंदोलन किया कि हम नहीं काटने देंगे इसमें उनका उनका बस ये इंटरेस्ट था कि यार फॉरेस्ट हमारे भगवान है और हमारे लिए सब कुछ ये देता है ठीक है तो इसको बोलते कम्युनिटी कंजर्वेशन यहां पर किसी सरकार ने नहीं बोला कि आप कंजर्व करो कम्युनिटी ने खुद बोला बल्कि सरकार आई तोड़ने और कम्युनिटी ने बचाया इसको बोलते कम्युनिटी कंजर्वेशन ठीक है चलो इसके अंदर क्या सवाल बनेगा इसके अंदर चिपका मूवमेंट का सवाल बनेगा चिपका मूवमेंट बेसिकली क्या था चिपका मूवमेंट ये था कि यार वहां पर जो जितनी भी लेडीज थी उन जब पेड़ काटने के लिए लोग आ रहे थे और फैक्ट्रीज बनाने के लिए कुछ फैक्ट्री काम पर सैक्शन हुआ था तो वहां की लेडीज और वहां के लोगों ने क्या किया जो पेड़ थे उनको हक कर लिया ऐसे कि अगर आप पेड़ काटोगे तो पहले हमको काटा तो ऑब्वियसली काटा ही नहीं पेड़ ठीक है फिर बीज बचाओ आंदोलन हो गया ठीक है अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से इस चैप्टर में चूंकि इतने सारी सारी चीजें डिलीटेड है तो क्वेश्चन बनने का चांस कहां से आता है क्वेश्चन बनने का चांस कहां से आता है फॉरेस्ट कैटेगरी से रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ट फॉरेस्ट यहां से तुम्हारा सवाल बन सकता है ठीक है चलो इसके अलावा ये है देखो ये एक बार रीड जरूर कर लेना अपनी एनसर के अंदर से इसके अंदर कुछ भी दे नहीं दिया हुआ है बस इतनी सी बातें कही हुई है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स ने मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में एक कोलाबोशन किया अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जिस पर क्वेश्चन बन सकता है अगेन जे एफ एम का जॉइंट फॉरेस्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जे एफ एम बेसिकली क्या होता है तुम लोगों को क्विकली बता देता हूं ध्यान से सुन लो इसके अलावा एग्जाम में तुम डायरेक्टली लिख के आ सकते हो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज मिलकर एक फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं दैट्स इट गवर्नमेंट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बोलते हैं क्योंकि ज्वाइंटली हो रहा है वो किसके बीच में गवर्नमेंट के बीच में और लोकल कम्युनिटी के बीच में जो वहां पर रहती है तो गवर्नमेंट जाती है लोकल कम्युनिटी के साथ में हाथ मिलाती है और बोलती है कि हम आपसे सिर्फ इतने रिसोर्सेस लेंगे ताकि हम उसको यूज कर पाए और उसके बदले में हम आपको पूरी फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन देंगे और कम्युनिटी वाले भी उसकी पूरी ध्यान रखते मतलब कुल मिलाकर दोनों साथ मिलकर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें जो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है वो यूटिलाइज भी हो पाए पर उसका ओवर यूज भी ना हो ठीक है दैट इज वॉट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजर प्रोग्राम इज ये तुम लोगों का एक मैंने सवाल यहाँ पर हेल्प करवा दिया तो अगर जिन लोगों ने ध्यान से मेरी बात सुन ली उन लोगों का ये सवाल कवर हो चुका है और चैप्टर तुम्हारा ये खत्म ठीक है दैट्स इसके पी वाई क्यूज देख लेते हैं इसके कुछ पीवाई क्यूज देख लेते हैं तो पीवाई क्यूज कहा गए कहां गए कहां गए ये ना अब देखो चैप्टर के अंदर चर्चा कितनी सारी थी बट आया कितना सा है ना तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी एनसीईआरटी के हिसाब से ही तुम लोगों को पढ़ाऊ ठीक है इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें थी रेयर एंडेंजर्ड ये सारी चीजें बट तुम्हारी लेटेस्ट एंसेट के अंदर ज्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है चलो इसके पीवाई को देख लेते हैं अच्छा एक काम करते इसके पीवाई के तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे काम के नहीं हैं हाँ है, है काम के हैं ये भैया लार्जेस्ट एरिया परमानेंट अंडर परमानेंट फॉरेस्ट तो मध्य प्रदेश ठीक है फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ और इसका मेन एरिया क्या था तो ये इंप्लीमेंट uh, हुआ 1972 में जहां पर एक लिस्ट बनाई गई ठीक है प्रोटेक्टेड स्पीशीज की और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे काम किए गए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया है ना ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं प्रोटेक्ट स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट हंटिंग दे एक्सटिंक्ट नहीं करना तो हंटिंग बंद कर दो है ना उनके लिए नेशनल पार्क सेंचुरीज बना लो उनको प्रोटेक्शन कैटेगरी में डाल दो ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर ये रहा तुम्हारा प्रोजेक्ट टाइगर ये पांच पॉइंट्स लिखना है इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें कि कब कहां चालू हुआ कब चालू हुआ और कितने एरिया में हमने इसको टाइगर टाइगर एक प्र, प्रोटेक्टेड जोन बनाया ठीक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल टू इक्वालिटी वाइटल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एवरमेंट जस्टिफाई द स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एज इट इज उठ के आने के चांसेस है एज इट इज उठ के आने के चांसेस है ठीक है इसके एज इट इज उठ के आने के चांसेस है है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ठीक डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉर वाइल लाइफ रिजल्ट इन द लॉस ऑफ कल्चर डायर्स एक्सप्लेन देखो फॉरेस्ट अगर चले आते हैं अगर फॉरेस्ट उड़ गया एक पूरा तो वहां की पूरी कम्युनिटी के जितने भी कल्चर्स थे जो भी उनके फेस्टिवल्स थे वो सब उड़ गए तो एक पूरा कल्चर खत्म हो गया ठीक है इसलिए इंपॉर्टेंट है उसी को लंबे तरीके से यहां पर दिया हुआ है मैंने तुम लोगों को वाइब बता दी कि आंसर के अंदर क्या है उसी वाइब को यहां पर बताया हुआ है ठीक uh, है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड कब हुआ था भैया ये एक्ट नाइनटीन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए दो बार इसका सवाल आ चुका है

तो यही सारी चीजें इसके अंदर है जो अल्टीमेटली uh, जो रिमेनिंग uh, पोर्शन है वो यहां पर डले हुए ठीक है है बड़ा इसके ऊपर सवाल आएगा नोट ऑन प्रोजेक्ट आएगा ठीक है दो बार आया मतलब आएगा ही आएगा फिर ये स्टेप टेकन टू कंजर्व कंजर्वेशन फ्लोरा फ्लोरा के लिए वही एक तो जानवरों के लिए एक अलग से लिख दो flora का एक फोना का अलग से लिख दो मैप वर्क देख लो इसका ठीक तो है तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है माउंटेन फॉरेस्ट कहाँ ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहां है ये एक सवाल बन सकता है ठीक है हालांकि इससे ज्यादा सवाल मैप के आने के आने चांसेस नहीं है है ठीक जी जी चलो जी. अगले चैप्टर की तरफ बढ़ाया जाए है, है ना इसके भी पीवाई क्यूज यहां पर दिए हुए हैं ये सारे पीवाई क्यूज है इसमें दो बार प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया हुआ है तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो अगला चैप्टर करेंगे अगला चैप्टर अगला चैप्टर अगला चैप्टर वाटर रिसोर्सेस छोटा सा चैप्टर है यही बहुत छोटा चैप्टर है फटाफट इसको कर लेंगे कोई समस्या वाली बात नहीं है ठीक है ब्रेक ब्रेक लेके क्या करोगे यार फटाफट दो मिनट जाओ सुसु करनी तो सुसु करके आ जाओ इस और क्या ब्रेक चाहिए मैं भी तो खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं भाई वॉटर रिसोर्सेस चलो फटाफट करेंगे इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है बस एक इंपॉर्टेंट चीज है डैम डैम वाला डैम वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है ठीक है और दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है वाटर कंजर्वेशन वाटर पॉल्यूट कैसे होता और उसका कैसे करता है और कुछ नहीं इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें पहले हुआ करते थे, पर अब वो, भी हो Hardly, दो वो इसके चलो ये हमारे काम का नहीं है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन के समय नहीं हमारे पास में ठीक है देखो यूएन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट दो ये तीन रिपोर्ट हमको क्या बताती है, ये बताती है कि पूरी दुनिया के अंदर 96.5 परसेंट जो वाटर है वो ओशन और 2.5 परसेंट फ्रेश वाटर है ओशन मतलब जो सोल्टी पानी होता है जिसको हम पी नहीं सकते फ्रेश वाटर जिसको हम पी सकते हैं फ्रेश वाटर कहां से आता है पहाड़ों से आता है तो सिर्फ ढाई परसेंट दुनिया का जो पानी है वो फ्रेश वाटर जिसको हम पी सकते हैं बाकी नाइन जो पानी है वो ओशन वाटर है वाटर है ठीक है अब इस ढाई परसेंट यानी कि फ्रेश वाटर मतलब जितना भी फ्रेश वाटर है उस फ्रेश वाटर का सत्तर परसेंट आइस शीट और ग्लेशियर से मिलता है जो कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में है है ना या फिर जो जितने माउंटेनियस रीजन से और 30 है और तीस परसेंट ग्राउंड वाटर है ठीक है देखो ढ परसेंट ढाई परसेंट जो है ठीक है ढाई परसेंट जो है वो हमारा फ्रेश वाटर है उस ढाई परसेंट में से जो सत्तर परसेंट है मतलब उस ढाई परसेंट में से जो मैक्सिमम पार्ट है पार्ट है नहीं मैक्सिमम कैसे होगा मैक्सिमम थ्री फोर जो पार्ट है करीब करीब वो कौन सा पार्ट है जो हमको ग्लेशियर से पानी मिलता है फ्रेश वाटर को और बचा हुआ जो तीस परसेंट है वो वो पानी है जो हमको ग्राउंड वाटर से मिलता है ठीक है इतनी सी बात है हमने इंडिया की रैंकिंग की हुई कि इंडिया चार परसेंट ग्लोबल तो नहीं वाटर स्क्योरसिटी कैसे होते है? देखो सीधी सी बात है यार समझ लो बात को यार कोई दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर वाटर स्क्योरसिटी पानी कम कैसे हुआ क्योंकि पानी बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे लोग वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत हो रहा था फैक्ट्री से बहुत ज्यादा यूज हो रहा था पानी ठीक है चलो एंड नीड फॉर कंजर्वेशन क्यों कंजर्व क्यों करना है पानी भैया पानी का हमने ठेका ले रखा है कंजर्व करने का तो मेरी जान ठेका ले रखा है बिल्कुल क्योंकि अगर पानी नहीं बचा तो तुम पियोगे क्या ठीक है चलो ओके okay. अब सबसे पहला रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जब से अर्बनाइजेशन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज आने, लगी तो हुआ क्या कि उन्होंने पानी बहुत ज्यादा यूज करने लग गए तो पहली बात तो पानी की स्केरसिटी हो गई दो, दो चीजें समझना एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी एक होता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एक होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्वांटिटी मतलब बहुत ज्यादा पानी इंडस्ट्री यूज कर रही है अब जब बहुत ज्यादा पानी यूज करें तो पानी बाहर कम हो रहा है ना अगर मान लो सौ लीटर पानी अवेलेबल है एक किसी शहर में एग्जाम्पल उसमें से अस्सी लीटर पानी इंडस्ट्री यूज करती तो बाकी के लिए बीस परसेंट बचा बीस लीटर ही बचा है ना तो एक तो क्वांटिटी दूसरा जब ये इंडस्ट्रीज पूरा अपना मैन्युफैक्चरिंग कर है प्रोडक्शन कर ली तो उसके बाद में जो वेस्ट है जितना भी वेस्ट है जितना भी कचरा जितना भी गंदा पानी है जो बिल्कुल नाले वाला होता है उसको डाल देता है नदियों में तो जो क्वालिटी है पानी की वो भी खराब हो जाती है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को ये खराब कर रहे हैं ठीक है फ्रेश वाटर के अंदर फ्रेश वाटर के अंदर ये बहुत ज्यादा उसको वो कर रहे हैं क्या कहते हैं बहुत ज्यादा उसको डिग्रेड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को ठीक है और एक और चीज कि चूंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो इलेक्ट्रिसिटी हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ही मिलती है जहां पर हम पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अब वो पानी से हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो बाकी यूज में हम उसको ले नहीं सकते तो वो भी एक समस्या है ठीक है वो भी एक समस्या है ठीक है चलो तो ये बता तो तो दिया क्या होता है हम डोमेस्ट जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं है ना जैसे खेतों में फर्टिलाइजर यूज यूज हुए यूज हुए या फिर पेस्टिसाइड पॉल पेस्टीसाइड वो सब अल्टीमेटली जाते है? पानी में जाते हैं और पानी की फिर हालत कुछ ऐसी हो जाती है तो पानी तो खराब होता ही है ठीक है तो कुल मिलाकर अभी नीड ऑफ द आर है कि हम पानी को कंजर्व करें पानी कंजर्व करने के लिए क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था वो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका

पानी अब अपनी चॉइस से फ्लो होगा मतलब अगर हमारी इच्छा होगी तो हम डैम के दरवाजे खोल देंगे तो यहां से पानी फ्लो होने लग जाएगा और जैसे ही दरवाजे बंद कर देंगे तो पानी वापस रुक जाएगा कुल दिस इज इज डैम है ना यही होता है डैम डैम क्या होता है पानी को हमने आर्टिफिशियली रोक दिया पानी अदरवाइज तो वो जा रहा था जो नदी थी उसका तो फ्लो उधर जा रहा था हमने बीच में एक डैम बना दिया ताकि नदी का जो फ्लो है वो कंट्रोल कर सके ठीक है चलो अब Basically, क्या होता है? Refers to reservoir to structure. इसका है, दिमाग में डैम दो हिसाब से जो जो वो ठीक है अब देखो डैम हेल्प कैसे करते हैं हमारी डैम हमारी हेल्प कैसे करते हैं सबसे पहले चीज तो क्या होता है कि हम पानी जो है इम्पाउंड यानी कि हम रिवर का जो पानी है अब वो पानी अगर हमारे गांव से निकल गया तो निकल गया कुछ नहीं कर सकते तो हमने क्या किया कि हमने डैम बना के पानी को रोक दिया ताकि ताकि कभी बरसात ना आए तो हम इसी पानी को यूज करके हमारे खेतों में इरीगेशन कर लें ठीक है एक तो यूज हो ये यूज हो गया डैम का दूसरा ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है जो भी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बताते हैं जहां से पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उन सब में डैम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं

अब इन्हीं के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने अपोज किया तो पूरी जो पूरा जो चैप्टर के ऊपर है कि कैसे कुछ लोगों ने डैम बनाने की कोशिश की कैसे कुछ लोगों ने डैम रोकने की कोशिश की तो डैम बनाने के फायदे देख लिए अब डैम के नुकसान देख लो क्या है तो ये ओपोजिशन टू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि डैम के ओपोज में लोगों ने क्या क्या पॉइंट उठाए सबसे पहला तो यह है कि अगर हम नेचुरल फ्लो उनका ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे नेचुरल फ्लो से उनको रोकेंगे तो क्या होगा कि जो पानी का जो सेडिमेंट फ्लो होता है, यानि कि पानी के जो होते है वो क्या होंगे देखो, आगे रहा है तो जो भी इसके मिनरल्स थे वो सब नीचे डिपोजिट होना चालू हो जाएंगे तो ये जो पूरी मिट्टी है ये पूरी मिट्टी धीरे धीरे करके पत्थर बन जाएगी है ना अब जब ये ऐसा हुआ तो यहां पर फ्लड के चांसेस और बढ़ जाते हैं ठीक है इसके साथ में दिक्कत क्या होती है जो एक्वेटिक लाइफ है जो एक्वेटिक लाइफ है पहले वही प्लांट्स थे इसके अंदर प्लांट्स वगैरह सब रहते थे या सब कुछ जो भी होता था पूरे कोर्स uh, में वो सारी चीजें डिस्ट्रॉ होने लग जाएंगी है ना मान लो कि यहाँ पर पौधे थे छोटे छोटे मतलब पूरी नदी जब फ्लो होती थी तो, तो यहाँ पर पौधे थे और वो नदियाँ फ्लो होते रहती थी और पौधे वहाँ पर थे अब हुआ क्या कि पानी है रुक गया तो पानी के जितने मिनरल्स मिट्टियाँ सब नीचे दबने लगे तो जो पौधे हैं सब नीचे दब के खत्म हो गए सिमिलरली जो मछलियां हैं उनको भी प्रॉपर रूटिंग नहीं हुई क्योंकि मछलियों के साथ में भी क्या होता है कि उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है कि उनको यहाँ से वहाँ जाना है और उस टाइम पे पहुँचना रहता है ठीक है तो उससे समस्या काफी हो जाती है दूसरा क्या होता है वही चीज कि भैया माइग्रेट नहीं हो पाता एक्वाटिक फौना, एक्वाटिक यानी कि एनिमल्स माइग्रेट नहीं हो पाते उनके टाइम के के हिसाब हिसाब से से उनकी उनका टाइमिंग होता है जैसे जैसे सीजन के से। जैसे कि हम सीजन के हिसाब से पहले लोग यहां से जाया करते थे जानवर जाते थे ठीक है ठीक है और इसी के साथ में क्या होता है कि भैया जो वहां की जो एक्सिस्टिंग वेजिटेशन की क्वालिटी भी खराब होती है देखो क्या होता है कि उस एरिया के आसपास जहां पर हमने डैम बनाया इस एरिया के आसपास पूरा एरिया डैम्प हो जाता है

सबसे पहली चीज तो डैम से जो सॉइल है वो सलाइन हो जाता है ठीक है यानी कि जो सॉइल की क्वालिटी वो खराब हो जाती है फिर जो अमीर लोग हैं वो इसके साथ में भी सेम चीज है डैम होता किस लिए लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बट करप्शन इतना है कि डैम बनने से जितना फायदा होता है उससे ज्यादा लोगों को नुकसान होता है ठीक है चलो बाकी ये पानी रुका हुआ रहता है तो जितनी वाटर बॉन्ड डिस्सीज सब होती हैं और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है एक इंपॉर्टेंट चीज है एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया ये डैम तो एक तरीका होगा पानी को रोकने का क्या पानी को रोकने का और कोई तरीका नहीं है पानी बचाने का और कोई तरीका नहीं है क्या पानी को बचाने का और कोई तरीका नहीं है तो देखो पानी को बचाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका इसके अलावा यह है इरिगेशन करना आ, मतलब एज इन की आ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है ना फिर उस पानी को यूज़ करके हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है देखो बता देता हूँ मैं तुम लोगों को तुम्हारी वाइफ समझाने के लिए बाकी तुम्हें स्लाइड से रीड करना है इसके बाहर तुमको कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है ठीक है हमने क्या क्या घर के ऊपर एक ऐसा वो बना लिया हमारा मान लो घर ऐसा है है ना तो घर के ऊपर हमने टंकी लगा दी तो जितनी बारिश आएगी जितनी बारिश का पानी आएगा वो सब यहाँ से या टंकी की वजह हमने क्या क्या कि एक स्लोप ऐसा बना लिया ठीक है जैसा हमारा घर है या अब यहां पर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है तो हमने क्या किया पूरी छत पर बारिश का पानी इक्विलेट हो रहा है तो हमने यहां से एक पाइप लगा के उस पानी को अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड तक लेके चले गए और यहां पर वो पानी पूरा अंडर इसको बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पानी को हम ऐसे बचाते हैं ठीक है इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर हमारा बढ़ जाता है ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बढ़ते जाता है ठीक है चलो डिफरेंट मेथड क्या क्या होते हैं इन्वर्टर के है, तो सबसे पहले देखो इस टाइप के होते हैं कि हमने क्या क्या एक, एक इस टाइप से कुल्स बनाए है, है ना ग्राउंड वाटर टैंक बनाए जिसके अंदर वही पानी आता है और नीचे ग्राउंड वाटर टैंक हमने बना लिया जहां पर पानी स्टोर हो जाता है फिर इसके अलावा और तरीके हैं और तरीका क्या क्या है जैसे कि अभी यह है तो यहां पर हमने क्या किया एक स्लोप बना दिया स्लोप बनाया तो पानी जब यहां पर रहेगा बहुत देर तक तो ये एरिया मॉइस्ट हो जाएगा और मॉइस्ट हो जाएगा तो हम इसमें खेती बाड़ी अच्छे से या फिर अच्छे से क्रॉप वगैरह उगा सकते हैं ठीक है ठीके? ये टेम्प्ररी होता है सब कुछ ज्यादा टाइम तक हम नहीं कर सकते हैं ठीक है ठीके? इनके नाम देख लो हम इसको खादिंस बोलते हैं जोहाज बोलते हैं ठीक है ये बेसिकली नाम है ये एक मार्क्स में आ सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर राजस्थान में क्या होता है राजस्थान में इस टाइप के हम आ, वो बनाते हैं आ, अंदर अंडरग्राउंड टंकी अंडरग्राउंड कुएं बनाते हैं और उसके ऊपर से ऐसा ढक देते हैं उसको जैसे फोटो के है, चलो. के अंदर अंदर है ठीक चलो तमिलनाडु भैया ये सिस्टम कोई ज्यादा बहुत ज्यादा काम का नहीं हमारे आ, बस ये है कि ये हमारे पानी को इरिगेशन को हेल्प करता है ठीक है बट चैप्टर में था तो बता दिया बट अब इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं शिलोंग ने जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर की प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया तो भैया ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके ठीक है तमिलनाडु ने कैसे सॉल्व किया अगेन वही रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके ठीक है हार्वेस्टिंग सिस्टम तीन टाइप के कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया गुल जो मैंने तुम लोगों को बताया अभी दूसरा हो गया टंकी वाला जिसके अंदर नीचे टंकी होती है ठीक है फिर तीसरा होता है हमारा वाटर uh, स्कैसिटी क्या होता है इंपैक्ट इसकी क्या क्या होता है इंपैक्ट होते भैया फार्मिंग में होता है सैनिटाइजेशन में होता है है द्र, ड्रिंकिंग द्र, वाटर ना लाइवलीहुड सब कुछ अफेक्ट करता है इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करता है सब कुछ पानी नहीं होता तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता है ना इंडस्ट्रीज ने कैसे इसकी हालत खराब कर दी तो पहला तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तो उसके लिए हाइड्रो पावर प्लांट के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है देखो तो सी पॉइंट में ही लिखा हुआ है फिर बी पॉइंट है ठीक है जिसमें तुम्हारा लिखा हुआ है कि जितने भी वेस्ट है वो सब वहां पर जाकर वो आ, नुकसान करते हैं और फिर लिखा हुआ है हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिसमें आ, जो भी नीड है पानी की बहुत ज्यादा लगती है तो कुल मिलाकर पानी खराब होता है ठीक है जी चलो जी आ, फिर एक क्वेश्चन है अगेन सेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है पांच मार्क्स में या तीन मार्क्स में उठ के आएगा ठीक है ये इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया यहां पर इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सोर्स है क्यों भाई पानी इंपॉर्टेंट क्यों है तीन पॉइंट लिखने तो हम बचपन से पढ़ रहे पानी इंपॉर्टेंट क्यों एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है लाइवलीहुड के लिए इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के लिए इम्पोर्ट है सबके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है ग्राउंड वाटर ओवर यूज रिसोर्स क्यों है क्योंकि हमने इरीगेशन में बहुत ज्यादा यूज किया है इसको मतलब हम जो जितना भी जो मोटर लगाते हैं ना बोरिंग लगाते हैं पानी उसमें सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इसको ठीक है ठीक है तो ये तुम्हारा सवाल हो गया अब इसके अंदर के मैप वर्क देख लो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम रिपीटेड ही है ठीक है चलो ये एक मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना ठीक है स्लाइड भी मिल जाएगा जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं मतलब सारे ही क्वेश्चन इस एक मैप के अंदर तुम्हारे कवर करवा दिए गए हैं ठीक है चलो जी ठीक है ठीक है चलो हां जी तीन चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं फुल स्पीड से तीन चैप्टर हमारे खत्म हो चुके हैं फुल स्पीड से अब बचे हैं सिर्फ तीन चैप्टर अब बचे हैं सिर्फ तीन चैप्टर ठीक है चौथा चैप्टर उठाएंगे एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अंदर तो कुछ भी समझने से है ही नहीं बहुत ही फालतू तो चैप्टर है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है कि अलग अलग खेती बाड़ी की जगह का नाम क्या है किसका नाम कैसे है कौन क्या है कौन क्या कर रहा है इट्स ऑल अबाउट लोकेशंस एंड नेम्स दैट्स इट और कुछ भी नहीं इस चैप्टर में 굴자 화이 굴자 오케이 농업 과학 철학이 करें शुरुआत देखो कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसमें आते हैं अब इसके अंदर जो समझने वाला पार्ट है वो ये समझ लो बस एग्रीकल्चर के अंदर जो समझने वाला पार्ट है वो ये है फार्मिंग दो प्रकार के होते 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 हैं हैं एक हैं है, कमर्शियल फार्मिंग अब ध्यान से अभी सुन लो है ना सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जहां पर हम जो फार्मिंग कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए अपने आसपास के कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं मतलब बहुत लो स्केल पे कर रहे हैं हमारा इससे मोटिव बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है हमको इससे कोई कंपनी नहीं बनानी हमको इससे कोई धंधा नहीं बनाना है ये हमारे लिए और हमारे आसपास के लिए एक लोकल बहुत ही ज्यादा लोकल तरीके से जो करता है वो है इसमें दो टाइप होते हैं प्रिमेटिव और इंटेंस प्रिमेटिव मतलब जो बहुत ही जैसे हम चार घर में कोई चार लोग हैं उनको अपने लिए खाना उगाना जितनी फार्मिंग करनी है उसको बोलते हैं प्रिमेटिव सब्सिडेंस इसके अंदर प्रिमेटिव मेथड यूज होते हैं मतलब पुराने प्रकार के कोई नई मशीनरी यूज नहीं होती कोई ट्रक यूज नहीं होता है कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं होती है जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं ना वही खैनी और फावड़ा और वो सब यूज होता है एक होती है इंटेंस जिसमें ज्यादा लोग यूज होते हैं ठीक है तो उसको इंटेंस बोलते हैं फिर एक होती है कमर्शियल जो प्रॉपर प्रॉफिट के लिए होते हैं ठीक है चलो प्रिमेटिव फार्मिंग बहुत स्मॉल पैचेस में होती है बहुत छोटे छोटे में होती है और बहुत पुराने प्रकार के टूल्स यूज होते हैं मॉनसून पर पूरी डिपेंड करती है फर्टिलिटी और सॉइल पर डिपेंड करती है मतलब कुल मिलाकर बहुत डिपेंडेंट होती है फिर है फिर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज स्लैश एंड बर्न स्लैश एंड बर्न बेसिकली क्या है स्लैश एंड बर्न कुछ नहीं है इतना समझ लो कि हम क्या करते हैं कि एक जगह पर मान लो यहां पर हमने खेती की कहां पर की भैया खेती करके बताता हूं तुम लोगों को यह है यहां पर हमने खेती की ना, अब यहां पर खेती की क्रॉप उग हमने इसको काटा अब काटने का क्या होता है छोटे छोटे नीचे के जो तो डंठल रह जाते हैं वो रह जाते हैं इस खेत में तो हम क्या करते हैं इसको पूरे खेत को जला देते हैं खेत जला जब तक ये खेत जल रहा है जब तक ये खेत पूरा हमने जल के ठंडा पड़ के इसके अंदर जो राख होती है और देखो बेसिकली क्या होता है जब ये खेत जल जाता है ना तो वो वहां पर पूरी राख हो जाती है और वो राख कुछ महीनों में वापस वापस जमीन जमीन में तो जमीन में एब्जॉर्ब होती है तो आ जाते हैं क्योंकि सॉइल में न्यूट्रेंट खत्म हो जाता है, है जब क्रॉप उगता है तो है ना तो सॉइल में न्यूट्रेंट वापस डालने के लिए हम उसको जला देते हैं उस टाइम पे तब तक हम क्या करते हैं दूसरे किसी जगह पे क्रॉप उगा लेते हैं ठीक है फिर जब तक ये ठंडा पड़ा इसके अंदर पूरा एशेस अंदर गई पूरी राख अंदर गई और जब ये सॉइल वापस फर्टाइल हो गया तो हम यहाँ काटते हैं इसको जलाते हैं और वापस यहाँ उगा लेते हैं तो दोनों बार साथ में हम सब्सिस्टेंसली मतलब सब्सिक्वेंटली एक साथ सैमल्टेनियसली हम दोनों जगह पर उगा सकते हैं इसको बोलते हैं स्लैश एंड बार एग्रीकल्चर ठीक है अब इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग क्या होता है जिसमें पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है लेबर ज्यादा लगती है और थोड़े इरिगेशन वगैरह की मेथड हम यूज करते हैं प्रॉपर उस पर सिर्फ और सिर्फ वाटर पर डिपेंड नहीं करता कमर्शियल तो प्रॉपर प्रॉफिट के लिए होता है ठीक है प्रॉफिट के लिए होता है तो भैया ये बहुत बड़ी स्केल पर होता है है ना और मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं इसमें नए नए एच वाईवी सीड्स होती है अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके लिए जरूरी होता है तो प्रॉपर बिजनेस के लिए होता है प्लांटेशन क्या होता है प्लांटेशन का सिंपल सा मतलब यह है कि एक ही क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे उगा देना उसको होता है प्लांटेशन ठीक है जैसे टी प्लांटेशन होता है अब क्रॉपिंग पैटर्न समझो हमारे इंडिया के अंदर तीन सीजन होते हैं खरीफ रबी और जैद खरीफ सीजन वो होता है जिसके अंदर आप ध्यान से सुन लो ये तुम लोगों को याद करना है याद करने का सिंपल तरीका यही है कि वो एक पेपर लो खरीफ रबी ये डालो और डिफरेंसेस बनाना चालू चालू कर दो खरीफ लिखा। खरीफ खरीफ लिखा कब चालू होता है खरीफ के अंदर पहली बात तो हम ग्रो कब करते हैं तो ग्रो करते हैं ऑफ में हार्वेस्ट कब करते हैं सेप्टेंबर अक्टूबर में क्या एग्जाम्पल है पैडी मेज जार कॉटन ठीक है कहां कहां आता है आसाम वेस्ट बंगाल ठीक है चलो ये हो गया सेम चीज रबी <coughs> को ग्रो कब करते हैं सो कब करते हैं अक्टूबर से दिसंबर हार्वेस्ट कब करते हैं अप्रैल से जून एग्जाम्पल इसके लिए प्रेसिपिटेशन जरूरी होता है और लोकेशन जो थोड़ा सा सीजन बचता है ना उसको भी नहीं छोड़ते हैं उसमें भी हम क्रॉप उगा लेते हैं ठीक है उसमें भी हम क्रॉप उगा लेते हैं बेसिकली समर के महीने होते हैं ठीक है जैसे वाटरमेलन मस्त मेलन सब जैद सीजन में आता है अब मेजर क्रॉप देख लो ठीक है क्रॉप्स के नाम देखना है और उनकी डिटेल्स देखना है बस दैट्स इट राइस स्टेपल फूड खरीफ क्रॉप हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हाँ की जरूरत है रेनफॉल सबसे ज्यादा जरूरी तो राइस सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पर राइस है फिर और उसकी है पर जो मैप के लिए इंपॉर्टेंट है दूसरा है वीट सेकंड मोस्ट सीरियल क्रॉप ये रबी क्रॉप है ठीक है कब होता है इसकी कब सो करते कब ग्रो करते वो इंपॉर्टेंट है रेनफॉल कब होता है और कौन सी लोकेशन मिलता है सेम चीज ठीक है तो तुम लोग एक नए पेज पे लिख लो देखो अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तुम्हारा काफी फायदा हो जाएगा एक पेज पे लिख लो ठीक है ठीक है जैसे कि अब तुमने लिखा कि नेम ऑफ क्रॉप यहां पर लिखा राइस लिख ठीक है, है, है कौन सा है फिर लोकेशन लिख लो ठीक है और एक रिमार्क लिख लो कि भैया किसी चीज को पर्टिकुलर क्या लग चाहिए इतना लिख लिया एक पेज पे आ जाएगा तुम्हारा राइस फिर चार पांच छह सात आठ जितने भी हैं वो सब आ गए एक पेज पर तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा ठीक है चलो अब ये चीज खुद लिखना है एक बार लिख लोगे तो काफी फायदा पहुंच जाएगा जैसे ही देखोगे उससे तो तुम लिख लेना लिखने से तुम्हारी जो चीज है तुम्हारी जो मसल मेमोरी में स्टोर होगी हाँ, हाँ रिमेम्बरेंस वाले मेलेट जार रागी बाजरा सेम जार तीसरा इंपॉर्टेंट है रेनफेड मॉइस्ट एरिया में आता है लोकेशन डाल दो ठीक है फिर सेम गोज और बाजरा एज वेल फिर रागी मेज पल्सेस ठीक है ये तो फूड क्रॉप्स हो गए

ठीक है फाइबर क्रॉप सिल्क उसी में डालो कॉटन ठीक है जूट है ना अच्छा कॉटन के अंदर ये चीज ध्यान रखना कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए फ्रॉस्ट फ्री डेज मतलब कि 210 दिन बिना बर्फ वाले दिन चाहिए जब बर्फ ना पड़े फ्रॉस्ट फ्री बिना बर्फ के दिन ठीक है यानी कि फर्स्ट फॉल स्प्रिंग से फर्स्ट फॉल विंटर तक एंड ब्राइट सनशाइन फॉर ग्रोथ इसको बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए होती है तब जाके कॉटन उगता है ठीक है चलो फिर जूट है और स्टेट कौन से हो गए? Bengal, reforms, बड़ा है, कि कैसे हमने जो क्वालिटी उसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या किया एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इस चैप्टर के जो बड़े क्वेश्चन है तीन मार्क्स और जो आसानी से याद किए जा सकते हैं वो यहां से आएंगे वो यहां से आएंगे इस पोर्शन से आएंगे ठीक है चलो पहला तो है भैया कि रेगुलर यूज ऑफ लैंड ऑब्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम क्या करते हैं हम जब बार 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 क्रॉपिंग करते हैं और उसको बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो उससे लैंड डिग्रेड होने के चांसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं लैंड डिग्रेड लैंड की क्वालिटी खराब होना ही होना है और बहुत सारे फार, फार्मर्स अभी भी नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं ठीक है अब क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लिए गए एग्रीकल्चर की फील्ड में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मतलब कि सरकार ने क्या क्या चीजें की तीन इंपॉर्टेंट चीजें की कलेक्टिवाइजेशन कलेक्टिवाइजेशन मतलब कि छोटे छोटे खेतों में उगाने की बजाय आप एक काम करो आप तीनों खेत को मिला के एक बड़े खेत में बनाओ है ना इससे क्या होगा कि कम रिसोर्स लगेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और फिर जो प्रॉफिट होगा उसको तीन हिस्सों में बांट लेना है ना अलग अलग क्रॉप में होगा अलग, अलग अलग खेतों में उगाने की बजाय एक साथ उगा तो ज्यादा फायदा होगा दूसरा है जमींदारी को एबोल्यून करना जमींदारी मतलब जमींदारी बंद कर देना जो आ, मतलब जो बंधवा मजदूर बन जाते थे इस टाइप की चीजें होती थी पहले गाँव में खैर अभी भी होती है बट काफी हद तक तो उसको बंद कर दिया और तीसरा है कंसोलिडेशन कंसोलिडेट करना होल्डिंग्स को कलेक्टिवाइज करना कलेक्टिवाइज कलेक्टर हो गया मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल कर देना ठीक है अब इन तीनों को समझने की जरूरत नहीं है बस नाम याद रख लो ठीक है चलो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देख लो ग्रीन रेवल्यूशन आया व्हाइट रेवल्यूशन आया किसान क्रेडिट कार्ड ठीक है ये पांच छह चीजें सरकार ने की है क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली तीन मार्क्स का आएगा कि क्या क्या किया गया तो ये चीजें लिख के आ जाना पूरे मार्क्स मिल जाएंगे मॉडर्नाइज कैसे किया गया ठीक है तो मॉडर्नाइज करने के लिए नई यूनिवर्सिटीज बनाई गई वेदर फोरकास्ट चालू किया टेक्नोलॉजी को यूज किया है ना इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि के अंदर ये लास्ट में कहीं लेटेस्ट वाले में शायद नहीं है ठीक है अच्छा सजेशन बाय एक्सपर्ट्स ये इंपॉर्टेंट है ठीक है समझने से कुछ नहीं इसके अंदर बस ये ही कि फार्मर्स को कैसे अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए मतलब एक तरीके से क्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए सिर्फ एक टाइप से नहीं करनी चाहिए बहुत सारे टाइप से करनी चाहिए ठीक है चलो अब इसके पीवा क्यूज देख लो फटाफट चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस फिर इंडिया के अंदर पल्सेस है ग्रोइंग पीरियड ऑफ खरीफ क्रॉप्स ठीक है थ्री फीचर्स ऑफ रबी क्रॉप सीजन क्या क्या फीचर्स है रबी क्रॉप सीजन के डेंस एंड एफिशियंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज प्री रिक्वेस्टेड फॉर नेशनल डेवलपमेंट एनलाइज स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट इस टाइप के जो डबल कोर्ट में लिखे हुए क्वेश्चन होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है अरे स्लाइड स्लाइड्स मिलेंगे ना मेरी जान स्लाइड्स और आंसर सब कुछ मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर टेलीग्राम ज्वाइन करो मेन तो ठीक है जूट के ऊपर एक सवाल है इसके अंदर भी सबसे सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको बता दूंगा ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी एक इंपॉर्टेंट है सवाल है ठीक है क्लाइमेटिक कंडीशन रिकॉर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ राइस ये तो बहुत स्पेसिफिक सवाल हो गया है ना ओवरऑल इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट है ठीक है बेवरेज क्रॉप्स टी कॉफी ठीक है इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप्स इन इंडिया मेंशन टू ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फरदर ग्रोथ ठीक है तो ये हो होगा तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैप वर्क देख लो इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो तुम लोगों को सबसे ज्यादा सताएगा राइस और वीट का वन हो गया जहां पर पंजाब है फिर राइस उत्तर प्रदेश हो गया राइस एंड वीट अगेन हरियाणा के लिए एक और लोकेशन हो गया वीट उत्तर प्रदेश ठीक है चलो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग और मेजर वीट प्रोड्यूसिंग हमने देख लिया ऑन द गिवन आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेवल द फॉलोइंग थ्रू एप्रोप्रिएट सिंबल्स शुगर केन टी कॉफी रबर कॉटन जूट तो शुगर केन उत्तर प्रदेश टी आसम awesome. ठीक है ये भाई पूरा तुम लोगों को एक बार जरूर याद रखना पड़ेगा ठीक है चलो इसके भी पीवाई तुम लोगों को देखने को मिल जाएंगे और स्लाइड्स भी देखने को मिल जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर भी और हमारे पढ़ लेके ऐप के ऊपर भी ठीक है चलो जी ओके भैया नींद आ रही है अरे मेरी जान बेटा पेपर तुम्हारा परसों है भैया आपकी एनर्जी लो हो गई मेरी जान में पूरी कोशिश कर रहा हूँ एनर्जी अपनी हाई रखने की मैं सच बता रहा हूँ तुम लोगों को मुझे भी पता है मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि एनर्जी लो है और उसका सिंपल रीज़न ये है कि भैया मेरे मेडिकेशन जो है वो बहुत टाइम से पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं जब से नाइन्थ की मैराथन ली थी मैंने उसके बाद से ही मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और अभी तबीयत और खराब हो रही है मिनरिसल एनर्जी रिसोर्सेस ठीक है ब्रेक फॉर फूड अरे जरूरत नहीं है बस आधा घंटा और रुक जाओ आधा घंटा और रुक जाओ इन दोनों चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट को बता दो फिर हम खत्म कर देंगे सेशन ठीक है चलो बहुत बढ़िया चलो अरे ये समस्या क्या गई जिंदगी में हमारी चलो फटाफट इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं ठीक है भैया पानी पी लो जी पी लेते हैं चलो जी फटाफट इसके इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं मिनरल क्या होता है आ... चलो मिनरल क्या होता है भैया देखो कोई भी ऐसी चीज जो नेचुरली अकर कर रही है और हमारे काम में काम के लिए है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद तो डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर

ज्यादा डिटेल में डीप में नहीं जाते डीप में जियोग्राफर नहीं जाता है वो किसी एक मिनरल को पकड़ के उसके डीप में घुस के उसकी पढ़ाई करते हैं ठीक है तो ये दो प्रकार की स्टडीज होती है अब मिनरल्स अकर कैसे करते हैं तो मिनरल जो है वो सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना कि मिनरल्स हमेशा ओर्स में मिलते हैं अब ध्यान से सुनो मिनरल्स ऐसा नहीं कि हमने खोदा 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 ओ मिनरल मिल गया ऐसा नहीं होता हमको ओर्स मिलते हैं ओर्स क्या होता है बेसिकली ओर्स होता है कि भैया उससे हम मिनरल बना सकते हैं अब हम लोगों को इम्प्योर जो पूरा का पूरा जैसे मान लो टुकड़ा मिला अब गोल्ड मिला अब गोल्ड का टुकड़ा मिला चलो गोल्ड तो खैर ऐसा हो गया एलुमिनियम की बात करता है। अब मिला तो करतेम का हमको एक टुकड़ा मिलता है बड़ा एक पत्थर जैसा उसको जब प्योरिफाई करेंगे तो एल्यूमिनियम मिलेगा तो वो जो पत्थर है ना वो नहीं प्योर एल्यूनियमियम उसकी प्योरिफिकेशन करने के बाद में जो मिलेगा एल्युमिनियम मिलेगा तो हमको जो पहले मिलता है क्या मिलता है और ठीक है तेरी ओर ठीक है चलो अब इसको हम पूरा कन्वीनियंट अब हम इससे मेटल निकालते पूरा है ना इससे हम पूरा का पूरा मेटल निकालते हैं

स्मॉलर ऑकरेंसीज आर कॉल्ड वेन्स एंड लार्जर आर कॉल्ड लोड्स ठीक है चलो अब सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जो कि डिपोजिशन ऑफ मिनरल से बनते हैं बहुत सारे मिनरल्स एक ही जगह पे एक ही जगह पे एक ही जगह पे डिपॉजिट हो गए

अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हीट के कारण बारिश के कारण ये पत्थर में जो जितने भी सोल्यूबल पार्टिकल्स थे जितने पानी में जो सोलबल थे पानी में गल सकते थे वो सब नीचे बह गए है ना वो सब नीचे बह गए निकल गए इसमें से हमारे पास में बचा क्या एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ये हो गया हमारे लिए और ठीक है चलो एलुवेल डिपॉजिट एल्यूवेल डिपॉजिट क्या होता है तीसरी चीज है ये ये जनरली दो हिल्स के बीच में जो वैली होती है वैली क्या होती है जो दो पहाड़ों के बीच में जो एरिया होता है जहां पर हम चल सकते हैं मतलब मैं यहां चल रहा हूं इधर भी पहाड़ी इधर भी पहाड़ी तो इस रास्ते को मैं वैली बोलता हूं उन वैलीज में जो डिपॉजिट्स होते हैं जो मिनरल्स आते हैं या उन वैलीज में जो नीचे गिर गिर के गिर गिर के गिर गिर के डिपॉजिट जमते जाते हैं उसको बोलते हैं एलिवेल डिपॉजिट ठीक है उसको बोलते हैं एलिवल डिपॉजिट इनको प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं एक मार्क्स सवाल तो गोल्ड सिल्वर टिन ये इस टाइप से मिलते हैं फिर ओशन ओशन वाटर वाटर से हमको क्या क्या मिल जाता है मैग्नीशियम मिलता मिलता है मिलता है सॉल्ट ऑब्वियसली ठीक है अब देखो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे आसान सी चीज है मिनरल्स बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं मेटेलिक होते हैं जो मेटल 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 की प्रॉपर्टीज रखते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती है वही लस्टर है ना शाइन और साउंड सोनर साउंड वो जो हमने बचपन में देखा था लस्टर होता है उसमें शाइन होती है अलग नॉन मेटेलिक जिसमें ऐसी कोई शैनवाइन नहीं होती है और तीसरा होता है एनर्जी जो सिर्फ हमारे एनर्जी के लिए यूज होते हैं जो मेटलिक नहीं होते हैं है ना चलो अब मेटेलिक कौन से हो गए मेटेलिक के अंदर दो कैटेगरी होती है फेरस यानी कि जिसमें आयन होता है एक होता है नॉन फेरस मतलब जो मेटेलिक है बट उसमें आयन नहीं है जैसे कि कॉपर है लेड है टिन है यह सब मेटेलिक है बट इनके अंदर आयन कंटेंट नहीं है फिर नॉन मेटली कौन कौन से होते हैं लाइम स्टोन साइन और एनर्जी अब लाइम स्टोन साइन स्टोन सबको एनर्जी नहीं मिलती है बस एक अच्छे शो पीस के लिए यूज करते हैं हम और बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज और बाकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते हैं एनर्जी मिनरल्स वो जिनसे मिनरल प्रॉपर एनर्जी मिलती है जैसे पेट्रोल है नेचुरल गैस है कोल है ठीक है फेरस मिनरल की बात करते हैं तो इंडिया में फेरस मिनरल अच्छा बढ़ रहा है जैसे अच्छा आयन और है। तो आयन और की पूरे पूरी जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज है उन सबकी बैकबोन आयन और ही होता है ठीक है अब मैग्नेटाइट क्या होता है अब इसके अंदर एक नाम देखो तुम कंफ्यूज मत हो ना मैग्नेटाइट बेसिकली होता है आयन ओर का एक नाम है जो सबसे अच्छी क्वालिटी का आयन ओर होता है उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं ठीक है फिर हेमेटाइट जो होता है वो सेकंड बेस्ट क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है मैग्नेटाइट जिसमें सत्तर आयन होता है फिर होती है ठीक है चलो मेजर आयन और बेल्ट इन इंडिया इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन से अब ये देखो इन इंपोर्टेंट की डिटेल में डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एरिया है ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है ये मुझे नाम बड़ा पसंद है बल्लारी चित्रदुर्गा चिक्क मंगलुरु तुमकुर बेल्ट एक है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट ठीक है जहां पर हमको आयनोर्ट्स मिलते हैं ठीक है ये मैप मैपर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फिर दूसरा है मैंगनीज ठीक है मैंगनीज के मैंगनीज कैसे बनता है मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो फेरोज एलॉय स्टील के लिए हमको मैगनीज की जरूरत पड़ती है दस किलो मैंगनीज से एक टन 10 किलो मैग्नीज़ इज नियरली 10 के जी मैंगनीज रिक्वायर टू मैन्युफैक्चर वन टन ऑफ स्टील 10 किलो मैग्नीज़ uh, से हम हजार किलो स्टील बना सकते हैं ठीक है ब्लीचिंग पाउडर, होता है। फिर नॉन फेरस की बात करते हैं नॉन फेरस में इंडिया की बहुत ज्यादा अच्छी, अच्छी वो नहीं है कॉपर है, है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन कॉपर की अंदर जो तो तार होते है वो कॉपर के ही ठीक है कहां, कहां है ये मैप पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीजें दिखेगा ना भैया समझ नहीं आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा मेरी जान इसमें समझने वाली चीजें इंपॉर्टेंट ही नहीं इंपॉर्टेंट क्या है मैप ठीक है ये मैप इंपॉर्टेंट इसके बॉक्साइट बॉक्साइट क्या है

के चांसेस कम है है मैप डेफिनेटली आ सकता है। और दूसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा। ये आएगा हजार्ड्स ऑफ माइनिंग माइनर्स है वो बहुत सारे देखो जब हम जमीन खोते तो बहुत सारे डस्ट निकलती है तो के लंग्स वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं खांसी वाली दिक्कत हो सकती है तो सबसे पहले तो दूसरा कलेप्सिंग ऑफ माइंड रूफ्स देखो क्या हुआ

ये तीनों चीजें माइनिंग के लिए बहुत माइनिंग के लिए माइनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट डेंजर्स है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स अगेन इंपॉर्टेंट है कि जो है, उनको हम कंजर्व कैसे करें तो बेसिकली हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी मिनरल्स हैं वो सिर्फ अर्थ की क्रस्ट के एक परसेंट है ठीक है चलो अब इसके सिंपल स्टेप्स हैं जिस पर डायरेक्टली सॉल्व बन सकता है ये डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है यहां से ठीक है यहां से डायरेक्टली सॉल्व बन सकता है हमारा ठीक है Energy Resources. एनर्जी रिसोर्सेज जिनसे हमको एनर्जी मिलती है कोल सोलर एनर्जी ये सब इसमें दो बेसिक टाइप है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल वो सब होगा जो हमारे पुराने जमाने से चलता रहे फायरबोर्ड कैटल गोबर ये सब कुछ नॉन कन्वेंशनल वो है जियोथर्मल टाइडल है, जो नए नए टेक्नोलॉजी से हमने बनाया है ठीक है अब इसके अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात इसके अंदर ना कन्वेंशनल सोर्सेस में बहुत सारे टाइप्स है कोल है ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी ना कि इतने सारे टाइप से इसमें तुम लोगों को जो मेन पोर्शन है चैप्टर का वो छूट जाएगा तो ये सिर्फ तब करना जब इस चैप्टर को तुम एज अ एजिजन पढ़ रहे हो क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं कि तुम एक एक मिनरल की चर्चा करो ध्यान से स्मार्टली अगर तुम एनालाइज करो 20 मार्क्स का ज्योग्राफी आएगा 20 मार्क्स के ज्योग्राफी में ज्योग्राफी में तुम्हारे करीब करीब छह कि ये चार मार्क्स का एक चैप्टर आएगा तीन से चार मार्क्स का अब तीन से चार मार्क्स में से इस चैप्टर में से मैक्सिमम अगर आया भी तो एक ही सवाल आएगा बड़ा और एक छोटा सवाल आएगा वो बड़ा सवाल हाई चांसेस आर कि लैंड डिग्रेडेशन और इनके ऊपर होगा कि इसको कैसे प्रिवेंट करना है ठीक है और अगर बाय चांस इस एक कोल वोल के ऊपर आ भी गया तो ये इतने सारे हैं कि तुम कितना भी पढ़ लो इस टाइम पे तुम्हें याद करने में डिफिकल्टी आएगी तो इसकी बजाय एक सबसे सिंपल तरीका है कि तुम एक बार रीडिंग लगा लो ताकि अगर आता है और ऑप्शन में भी नहीं आता है कंपल्सरीली आता है तो तुम कुछ लिख पाओ ठीक है क्योंकि इस, इस मेहनत के बदले हम एक पूरा सेगमेंट अलग कंप्लीट कर सकते हैं वैसे स्मार्टली सोचना है ऐसे टॉपर बनता है ऐसे नहीं कि भैया सब पढ़ने लग गए और सब एग्जाम में जाके सब भूल गए हमको भूलना नहीं है ये टाइम हम रिवीजन में यूटिलाइज करेंगे ठीक है तो ये एक कोल है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है इनमें से भी तुम अगर सिर्फ लोकेशन से याद कर लो ना तुम्हारा काफी अच्छा काम हो जाएगा क्योंकि मेनली तुम मैप वर्क इस चैप्टर से एटलीस्ट कर पाओगे ठीक है सोलर एनर्जी विंड पार बहुत time, चल। कुछ देख लेते इसके? आ, आयन और सबसे अच्छा कौन सा हेमेटाइट होता है।, क्या है जो दूसरे नंबर पर आयन आ, इन, मतलब आयन जो है उसका एक और है ठीक है फिर कैटल के एक शुड बी डिस्करेज क्योंकि इससे हमारा पॉल्यूशन होता है फिर मिनरल्स देखो तुम अभी सवाल देखो सवाल किस टाइप के दिख रहे हैं तुमको ये इस टाइप के दिख रहे डिस्ट्रीब्यूटेड तो मिनरल प्लानिंग जो ये रिसोर्स प्लानिंग से थोड़ा रिलेटेड है जैसे रॉक है कहीं पर एरिड सॉइल है ठीक तो है तो से ठीक है फिर कंजप्शन ऑफ एनर्जी हैव फॉर्म राइजिंग कंट्री देयर इज एन टू अ सस्टेनेबल पाथ ये देखो

अब कितना बड़ा बड़ा था उसके नीचे भैया बहुत सारी चीजें थी उसके अंदर तो यार हमको समझ में नहीं आया अब आंसर में देखो क्या है सिर्फ नाम है सिर्फ नाम है और कुछ नहीं है ठीक है उड़ीसा झारखंड बेल्ट दुर्गा बस्तर चंद्रपुर बेल्ट बल्लरी चित्रदुर्गमंगलुरु बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट ठीक है चलो वी है कॉशियस अप्रोच इन यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज क्यों ऑब्वियस बात है क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है ठीक है हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए तो ऑब्वियसली उसको अच्छे से यूज करना पड़ेगा ये होगा तीन सिंपल पॉइंट्स का आंसर ठीक है रिक्वायरमेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर मॉडर्न लाइफ ये अगेन इंपॉर्टेंट ठीक है वाइज तो मिनरल इतने सारे क्वेश्चन ग्यारह सवालों में एक भी सवाल एक भी सवाल एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर नहीं है कोल के ऊपर पेट्रोलियम के ऊपर ऐसा कोई नहीं है मैग्जिम सवाल मेरी जान जो पिछले साल आते हैं पेपर में ठीक है चलो ये मैप वर्ग आ गया मतलब पिछले कुछ सालों में ऐसा कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आया ही नहीं तो यही मैं तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि अपनी मेहनत को बहुत ही जुडिशियसली यूज करो वो नहीं पूछा गया भाई इतने सालों में नहीं पूछे गए तो क्यों दिमाग लगाना उसमें ज्यादा बेसिक सवाल आते हैं हैं इस से। इस चैप्टर चैप्टर से से इसलिए जो डरते ना उसको डरना नहीं है तुम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है क्या मतलब तुमको एक एक चीज बता के क्योंकि वो पिछले इतने सालों में सवाल उसके बनते ही नहीं है ये इंपॉर्टेंट चीजों के बनते हैं जो बड़ी बड़ी हैं जो हमको पता है ऑब्वियस टाइप की चीजें ठीक है चलो मैप वर्क देख रहे थे हम ठीक है ये देखो मैप वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है मैप वर्क के लिए तो नाम इंपॉर्टेंट मैंने तुमको शुरू बताया था ठीक है चलो तो ये भी हमारे चैप्टर जो है वो समाप्ति की तरफ आ गया है ठीक है चलो जी लास्ट चैप्टर कर लेते हैं चलो जी और बताओ की हाल चाल चलो जी ओके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत सिंपल सा चैप्टर है है ना इसके अंदर बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर की बात करें देखो तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक है जो इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ट्रेशरी सेक्टर ये पूरा सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर जहां पर पूरी मैनुफेक्चरिंग वाली बात करते हैं ठीक है चलो इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट चीज हो तुम लोगों को बताता चलूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाली सबसे ज्यादा सब जरूरी है ठीक है चलो बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहले टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है

अनइंप्लॉयमेंट और पॉवर्टी खत्म होगी जितने ज्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड रहेंगे क्योंकि इसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट काफी इजीली मिल जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है एक फैक्ट्री में हजारों लोगों की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है ठीक है एक्सपोर्ट ऑफ मैनुफेक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है इससे ठीक है इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर कैसे हैंड इन हैंड चलती है देखो अब देखो ये पूछा जा सकता है कि हाउ आर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर हाउ डज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर गोज हैंड इन हैंड सिंपल सी बात है अगर

और NMCC को भी बनाया गया ताकि इनकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए की ठीक है 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 चलो ये question important है. ये सवाल very, very important है इस से सुन लो भाई जितने बच्चे देख रहे हैं ना तुम लोग इतने लकी हो कि तुम लोगों को मैं वो चीजें बता रहा हूं सिर्फ कि ये ये अगर तुमने कर ली है मुश्किल से तुम्हें छह सात घंटे लगेंगे मेरी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मतलब सारे चारों चारों सब्जेक्ट्स की जितने बीस बाईस चैप्टर हैं उन सब की करने में

है ना तो वो रॉ मटेरियल अगर एग्रीकल्चर से आ रहा है अगर खेती बाड़ी से आ रहा है जैसे कॉटन है टी है सिल्क है ये अगर है रॉ मटेरियल तो एग्रो बेस बोलते हैं जो कि एग्रीकल्चर से आ रहा है और अगर मिनरल से मिल रहा है जैसे सीमेंट है आयन है पेट्रोकेमिकल है तो वो उसको मिनरल बेस बोलते हैं ठीक है थीके? फिर बेस्ड ऑन मेन रोल मेन रोल क्या है इंडस्ट्री का अगर कोई इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री बेसिक मतलब जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए एक बेस बना रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर की इंडस्ट्री है

और फिर दूसरी होती है जो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करती है डायरेक्टली अब कोई भी ऐसा इतना सारा लोहा खरीदने नहीं जाएगा इंडस्ट्री पर जो छोटी दूसरी इंडस्ट्रीज है वो जरूर इनसे खरीदेंगे तो इंडस्ट्री टू तो इंडस्ट्री बेचता है फिर एक होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री से फैन शुगर टूथपेस्ट ये सब नॉर्मल कंज्यूमर को बेचते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट में देखो तो एक करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल एक करोड़ से ज्यादा तो लार्ज स्केल ओनरशिप ठीक है गवर्नमेंट कंट्रोल है तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होगी जैसे भेल सेल प्राइवेट सेक्टर टिस्को बजाज रिलायंस ये सब प्राइवेट सेक्टर है जॉइंट सेक्टर में जैसे ऑयल ऑयल इंडिया है ठीक है

इसमें इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री पंखे टूथपेस्ट लाइटर लाइटर को बोला मैंने शुगर टूथपेस्ट ये सब इसमें आती है लाइट इंडस्ट्री में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की चर्चा करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री कपड़ों के से जो बनी हुई होती है ठीक है अब यहां से जितनी भी चीजें वो सेम इस टाइप की चीज होगी जो पिछले चैप्टर में थी ना क्लासिफिकेशन करना एक के बारे में डिटेल्स पता करना लोकेशन पता करना वो चीज है मैं पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन इन जगहों से कम आते हैं ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा तुम लोगों को अभी कॉटन टेक्सटाइल इसका ईयर वगैरह याद रखना है थोड़ा ठीक है फिर हमारा चैलेंजेस फेस बाय कॉटन टेक्सटाइल ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है ये इंपॉर्टेंट है देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उनके उसको बहुत सारी समस्या फेस करनी पड़ती है सबसे पहली समस्या तो ये है कि हमारी जो स्पिनिंग मिल्स है वो ग्लोबल लेवल की है ही नहीं दूसरा ये है कि जो अच्छी क्वालिटी का यान है वो तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं जो अच्छी क्वालिटी का यान जो यानी कि जो थान होते हैं कपड़ों के जिनसे हम कपड़े जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है जिससे अच्छे थ्रेड निकलते हैं, वो तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं क्या होता है स्मॉल यूनिट मीन हाई कॉस्ट यानी कि अगर मैं एक मान लो कि मेरी फैक्ट्री सौ टी शर्ट बनाती है तो मुझे जो टी शर्ट बनाने की कॉस्ट है मान लो सौ रुपए पड़ रही है एक टी शर्ट के और एक फैक्ट्री जो दस हजार टी शर्ट बना रही है तो इसको कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ चालीस से पचास रुपए क्यों क्योंकि जितना बल्क में आप कोई चीज बनाते हो उतनी आपको सस्ती पड़ती है तो अगर स्मॉल यूनिट्स में बनाएंगे स्मॉल आउटपुट निकलेगा तो हमारी चीजें महंगी बनेंगी तो हमको उनको और महंगे में बेचना पड़ेगा तो जैसे जहां पर मुझे अगर मान लो मुझे बीस रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे टी शर्ट 120 का बेचना पड़ेगा और अगर किसी और को बीस रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो इसको टी शर्ट सत्तर रुपए का बेचना पड़ेगा तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर है वो जाके सत्तर वाला खरीद लेगा ना तो मेरा माल कोई खरीद नहीं आएगा ठीक है चलो तो ये तीन इसके सबसे इंपॉर्टेंट हो गए फिर बाय डू वी नीड टू इंपोर्ट फैब्रिक्स क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है ये एक ही सवाल बन जाता है कई बार दो के बजाय तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे लेबर का आउटपुट ढंग नहीं उनको आता ढंग से काम करना नहीं है पावर सप्लाई ढंग की नहीं है मशीनरी पुरानी है और सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, है फिर जूट की बात करते हैं जूट के अंदर ये सेम चीज है ठीक है हाँ ये इंपॉर्टेंट है अब ये देखो ये जूट इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें तुम पढ़ने में समय बर्बाद करोगे अपना इंपॉर्टेंट ये है कि भैया हुगली रिवर बेसिन में सबसे ज्यादा जूट क्यों है क्योंकि यहां पर सबसे पहले तो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया सबसे ज्यादा है ठीक है दूसरा पानी बहुत सस्ते मिल जाता है थीके? क्योंकि पानी बिल्कुल पास में रेलवे बिल्कुल कनेक्टेड है पानी की बहुत जरूरत लगती है जूट बनाने में ठीक है चीप लेवर मिल जाता है वेस्ट बंगाल बिहार से और बहुत ज्यादा पानी मिल जाता है ठीक है चैलेंजेस क्या क्या चैलेंजेस ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आ रहे तो लोग जूट को कम अपना रहे हैं है ना जैसे पहले जूट बैग्स होते थे अब लोग ज्यादा पॉलिथीन यूज करते हैं प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं ठीक है फिर 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी आई है ना जिसके तीन ऑब्जेक्टिव थे कि प्रोडक्शन बढ़ाओ क्वालिटी बढ़ाओ और जूट फार्मर्स को अच्छी प्राइसेस दो शुगर इंडस्ट्री पे आते हैं तो इसमें वही सारी डिटेल्स है मेजर इसके चैलेंजेस दे रखे कि सीजनल है पुराने मेथड अभी भी डील है जो केन है शुगर केन इसमें बहुत देर बाद पहुंचता है तो बड़ी समस्या होती है इनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री आयन और स्टील वाली जो हैवी इंडस्ट्री है ठीक है ये सेल के थ्रू बिकता है है ना फिर इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये देखो इसमें सब में इंपोर्टेंट बताया क्या सारी इंडस्ट्रीज में मैं तुम लोगों को ट्रिप बता देता हूं सारी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट बस ये है कि इस इंडस्ट्री का धंधा क्यों नहीं चल रहा है तो स्टील इंडस्ट्री का या आयन और स्टील इंडस्ट्री का धंधा क्यों नहीं चल रहा है क्योंकि भैया ये महंगे हैं ठीक है महंगे मिलता है इनको जो कोल मिलता है कोकिंग कोल जिससे स्टील और आयन बनता है प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं लेबर को ढंग से काम करने नहीं है, नहीं, आती है एनर्जी सप्लाई नहीं है कभी भी लाइट चली जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है ठीक है एल्युमिनियम इस सेम एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट क्यों है भैया बहुत मेलेबल और हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज होता है ठीक है केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर है फिर फर्टिलाइजर्स के ऊपर है कि हमारे ऊपर फर्टिलाइजर्स कितने बनते हैं अगेन मैप पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सीमेंट इंडस्ट्री हो गई फिर एक है ना फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई ये सब नाम इंपॉर्टेंट है ये सब नाम इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बहुत ज्यादा डिटेल में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है आईटी इंडस्ट्री थर्टी परसेंट एम्प्लॉज की है तो ये चीज एक ध्यान रख लेना बैंगलोर थोड़ा कैपिटल में अब यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडस्ट्रीज के कारण कैसे पॉल्यूशन हो रहा है ठीक है तीन प्रकार के पॉल्यूशन हो रहे हैं भाई ये सेम चीज तीन चार चैप्टर्स में कॉमन है वाटर रिसोर्स में यही सेम चीज थी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में यही सेम चीज थी फॉरेस्ट वाले में सेम चीज थी कि भैया इन सबके कारण कैसे लैंड और इनकी खराब हो रही है पॉल्यूशन कैसे हो रहा है तो वही चीजें तुम पेल सकते हो सब में सबसे एयर एयर वाटर थर्मल मतलब क्या कि भैया देखो क्या होता है कि जितने भी गैसेस है वो ऊपर निकलते चिमनी से बाहर फैक्ट्री से बाहर और वो एनवायरमेंट को हार्म करती है ओजोन डिप्लीशन करते हैं स्टेप टू कंट्रोल क्या है कि भैया जो गैस निकल रही है उसको ट्रीट करके निकालो है ना उसको पूरा का पूरा ढंग से निकालो ये दूसरा उसका तरीका यह है कि भाई कोल यूज मत करो ऑयल और गैस यूज करो ऑयल गैस यूज करने से पॉल्यूशन नहीं होगा इतना वाटर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन क्या है कि जितना भी पानी का जितना भी सब लोग वेस्ट होता है वो पानी में डाल देते हैं इसका स्टेप टू कंट्रोल क्या है कि इसको पहले तो पानी को तो रिसाइकल करने की कोशिश करो या फिर पानी को प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर फिर छोड़ो थर्मल पॉल्यूशन कि गर्म पानी हम नदियों में डाल रहे हैं ये थर्मल पॉल्यूशन होता है जब हम बहुत ज्यादा गर्म वेस्ट डालते होता है तो पानी और ज्यादा तेजी से गर्म होता है खराब होता है ठीक है इसको भी ट्रीट करो नॉइज पोल्यूशन क्योंकि भैया क्या हो जाता है तो नॉइज पोल्यूशन होता ही है इसका क्या है लीस्ट कॉस्ट इज लीस्ट कॉस्ट नोन एज डिसीजन मेकिंग फैक्टर है ना लीस्ट कॉस्ट क्या है, होता है भैया हमारी जो इंडस्ट्री है सबसे सस्ते में बने जहां पर प्रोडक्शन इजीली मिले और लो कॉस्ट में सब कुछ चीजें अरेंज हो जाए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटेटिवनेस काउंसिल एन एम सीसी क्यों बनाया गया ताकि इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़े बताया था मैंने तुमको एनएमसीसी ठीक है फिर एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज क्या है ये देखो एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज वो होती है जिनको मेनी इंडस्ट्रीज डेट कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय अर्बन सेंटर्स मार्केट सर्विसेज नोन एज एग्लोमेन इकोनॉमीज ठीक है एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या होता है भैया जब बहुत सारे छोटे इंडस्ट्रीज या छोटी जगह हैं शहरों में आके इन एग्लोमेशन इकोनॉमीज को यूज करके अपना धंधा बढ़ाते हैं उनको मतलब उनको एग्लोमेशन इकोनॉमीज बोलते हैं ठीक है थीके? ये देखो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज रिसोर्सेस कैसे हम पूरा वो डालते जोर ये दिख गया अभी तुम यहां पर भी देखोगे कि बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर मिनरल या एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में चर्चा नहीं की गई ओवरऑल चर्चाएं की गई है मैनुफेक्चरंग सेक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो इट हैज मॉडर्न एग्रीकल्चर टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों को ये हेल्प करता है बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दूसरी इंडस्ट्रीज पे कम करता है ठीक है ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है हाउ इज छोटा नागपुर रीजन मैक्सिम कॉन्स्टिटेशन देखो छोटा नागपुर रीजन ये इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर रीजन में क्यों है क्योंकि भैया यहाँ पर आयन और सस्ते मिल जाता है जाते ऑब्वियसली बात है कोई भी फैक्ट्री किसी भी जगह पे है ना तो खुद समझ जाओ कि यहाँ पर चीजें सस्ती होंगी लेबर मैं देखूंगा भी नहीं आंसर की तरफ तुमको खुद बताऊंगा लेबर सस्ती होगी लो कॉस्ट बन जाएगा वहां पर लेबर सस्ती होगी लो कॉस्ट बनेगा जो रॉ मटेरियल पास में होगा वेल कनेक्टेड विद रेलवे सब जगह का रेलवे कनेक्शन और रोड कनेक्शन अच्छा होगा ठीक है फिर आ, एनर्जी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी है ना वही चीज देखो ट्रांसपोर्ट हो गया वाटर रिसोर्सेज हो गया ठीक है फिर चीप लेबर हो गया रॉ मटेरियल आयन और ये हो गया एक पॉइंट मैंने नहीं बोला ये वाला इस टाइप से चीज होती है सिंपल है ठीक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्सल्ट्रेट इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन अर्ली अर्लीयर्स इसके भी सेम चीज है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉक मार्केट ट्रांसपोर्ट पोर्ट फैसिलिटी डिग्रेडेशन एज बिन एवरीवेयर देखो वॉटर एयर थर्मल नॉइज सब डाल सकते हो तुम इसमें, ठीक है क्लासीफाइड इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट बल्क एंड वेट तो, तो भैया एक हो गई लाइट और एक हो गई है क्या क्या होती है? जो स्टील बनाती है। light industry क्या होती है जो light बनाती है, है है जो जो बनाती बनाती जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो गई फैन एसी टीवी का जो माल है वो दूसरी इंडस्ट्री यूज दूस करती है और लाइट इंडस्ट्री में डायरेक्टली कंज्यूमर गुड्स बनते हैं, ठीक है थीके? चलो आर इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री इज बेसिक एज वेल एज हेवी है ना बेसिक भी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन

ठीक है चलो जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैकबोन ऑफ क्यों है क्योंकि भाई इसके वो जो पहला सवाल था ना वही है मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर करता है डिपेंडेंसी कम करता है अनइंप्लॉयमेंट कम करता है ठीक है चलो मैप वर्क देख लो फटाफट मैप वर्क में ये सारे पोर्ट्स हैं ठीक है स्टील प्लांट uh, और ये सारे प्लांट के अलग अलग जगहों के okay, वो हैं ये इसका तुमको स्लाइड्स मिल जाएगी तो तुम उससे कर सकते हो ठीक है चलो चलो जी चलो अब फटाफट ये मैप वाला देख लो है ना लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी इसके अंदर जितने भी मैप के पॉसिबल क्वेश्चन है सारे डाल दिए मतलब अगर तुमने सिर्फ ये एक पीडीएफ कर ली इसके अलावा तुमको इस पूरे चैप्टर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कुछ नहीं रहा है इसमें ठीक है ये देखो सारे पोर्ट पूछ सकते हैं कंडला मुंबई मारमगांव न्यू मैंगलोर कोची ट्रिटिकोरेन चेन्नई विशाखापट्टनम विशाखापट्नमदीप और हल्दिया इसके बाहर कोई पोर्ट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा ये लिख के ले लो इतने ही पोर्ट्स हैं और ये तुम्हारे पूरे मार्क कर दिएगा ठीक है गुजरात मुंबई तो पता ही होगा सबको कोची और ट्रुटिकोरीन ये दोनों आसपास है ये ध्यान पर पर रख लो चेन्नई पता होगा विशाखापटन उसके ऊपर प्रदीप और हल्दिया इसको ऑर्डर में याद रख लोगे ना तो बस ऐसे करके जाना है ठीक है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा ऐसा नहीं कि बिल्कुल उसी पॉइंट पर डालना है फिर लोकेशन पॉइंट करनी है ठीक है क्या है ये एयरपोर्ट अमृतसर राजा संजीव दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ठीक है चेन्नई में मीनाबक्कम कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट ये मुंबई एयरपोर्ट ऑब्वियसली लोकेशन ही मार्क करनी है अब एयरपोर्ट बोला है और भैया एयरपोर्ट बोल दिया अरे मेरी जान एयरपोर्ट के साथ लोकेशन भी तो है पता है ना मुंबई आए दिल्ली आए अमृतसर आए कोलकाता आए ठीक है, है। चेन्नई तो कॉमन हो गया दो चेन्नई और मुंबई तो दो, दोनों सालों में कॉमन हो गया ये तो हमारा हो गया फिर ये रहा पोरबंदर और एन एच टू एन पोरबंदर का है गुजरात NH2, Delhi, में एनएच टू न्यू दिल्ली कोलकाता फिर मुंबई और न्यू दिल्ली के बीच में एन थ्री सॉरी एन एट और एनएच टू ठीक है चलो लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया एन एच फोर और लॉन्गेस्ट हाईवे थोड़े कम है कि तुम लोगों को पूरा एक ट्रेस करने का बोला जाए बट हां जरूर हो सकता है कि यार कुछ नहीं ऐसे बताता हूं ये रोड बना दिया जाए तुमको बोल दिया जाए कि ये रोड कौन सा है तो तुम्हें पता होना चाहिए एन सेवन एनएच वन ठीक है चलो तो ये भी हो गया विद बीइंग सेड ये पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएंगी सारे चैप्टर्स की है ना मैप भर की सब कुछ मिल जाएगी तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन के अंदर तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर लव यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट जितना मैंने बताया उतना ध्यान से कर लेना चिल करो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा आराम से पढ़ना मजा करेंगे एकदम एंजॉय करके पढ़ना और फील के साथ पढ़ना ठीक है चलो गुड बाय टेक केयर जय हिंद वंदे मातरम सी ओ ऑल